जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों तो कैसे हो आप सब मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपके ही अपने एपीटी में और अभी तक बच्चों अच्छी बात ये रही है कि हमारा फिजिक्स का इतने दिनों के लेक्चर्स में हमारा फिजिक्स का जो सेशन है या जो ये कह ले कि हमारे फिजिक्स के जो टोटल फाइव चैप्टर जो आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं वो खत्म हो चुके हैं अब हमारा एक नया आज से नया सिस्टम स्टार्ट होने वाला है वो ये है कि हम लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स, प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अभी हमारा जो लास्ट चैप्टर खत्म हुआ है जो कि था आर एनवायरमेंट तो उस आर एनवायरमेंट का भी कुछ क्वेश्चंस तो कराना जरूरी ही था तो इसलिए आज हम लोग आर एनवायरमेंट के रिलेट किए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे ठीक है और अब मैं ये नहीं करूंगी कि आपका जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी uh, है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था आई था लाइट था या आर इन्वायरमेंट अब जो पेपर बनेगा या जो भी उसमें जो मैं क्वेश्चन दूंगी वो मिक्स में रहेंगे तो मैं ये uh, आप लोगों से उम्मीद करूंगी और आप लोगों को बोलना भी ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि आप सारे के सारे चैप्टर को एज सुन एज पॉसिबल अपने साइड से खत्म कर दीजिए ताकि हम लोग ये जो क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको इनको लगाने में मजा भी आएगा वरना ये हो जाएगा कि क्वेश्चन तो मैं कराते जाऊंगी आप बस उसको लर्न कर लोगे और लर्न करके फिर उसके आंसर्स को याद कर लोगे रट लोगे तो वो चीज हमें नहीं करना है बिकॉज क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो हमें सीखना है कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है एज इट इज क्वेश्चन वेदर द सी से वो ली जा रही है कि नहीं ली जा रही है ईच एंड एवरी हम लोग सब कुछ सीखेंगे और आपका टेंथ बोर्ड है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड होता है हमारे पूरे स्कूल uh, टाइम का सबसे देखो uh, ऐसा नहीं है ट्वेल्थ में भी हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं बट टेंथ का जो होता है इसका एक अलग ही मजा होता है बिकॉज हमारा यहाँ से टेंथ के बाद अब आप हायर सेकेंडरी क्लास में एंटर हो जाओगे तो अभी तक आपने यहाँ पे टेंथ तक में ये रहता है कि इनकी जो मार्कशीट्स वगैरह होती है वो आगे चल के आपको बहुत यूजफुल होती है इसीलिए एक बार जब टेंथ का ठप्पा लग गया ना कि आपके 7.2 बने सीजीपीए या आपके 8.2 बने या 9.0 बने जितने भी बनते हैं आपके सीजीपीए वगैरह या परसेंटेजेस वगैरह वो चेंज नहीं हो पाएगा ठीक है तो अभी तक आपके पास पूरे साल भर का टाइम पीरियड था आपके जो भी एफ ए वन एस ए वन जो भी होती है तो ये सारी एग्जामिनेशन में आपने क्वेश्चन एग्जामिनेशन दिए आपके मार्क्स गए कोई बात नहीं आपने इम्प्रूव किया बट अब ये हमारा क्रूशियल टाइम है है ना अब आपका ये क्रूशियल टाइम इसलिए है बिकॉज अब इसके बाद से आपका एक एक दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जाना चाहिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि अब हम अगर एक दिन भी वेस्ट करेंगे तो हम अपने टेंथ की मार्कशीट को खराब करने के लिए काम कर रहे होंगे तो उस चीज को ध्यान जरूर रखिएगा है ना क्योंकि बार बार आप टेंथ बोर्ड तो दोगे नहीं बार बार ये एग्जाम आएगा नहीं तो 2023 लग गया है नया साल लग गया है तो नए साल को नई जोश के साथ आप स्टार्ट करिए अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसको वापस रिवाइज करिए फास्ट्रैक की सीरीज में जितने भी सेशंस हो चुके हैं ज्यादा लंबे लंबे सेशंस नहीं दिए गए हैं तो इन सेशंस को आप बार 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 देखिए ठीक है थीके? और ये जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी इनको भी आप दो बार तीन बार अपनी कॉपी में लिख के इनके क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा आंसर्स को खुद के लैंग्वेज में फ्रेम करने की कोशिश करिएगा ठीक है तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट चैप्टर दैट इज आर इन्वॉलमेंट एंड आई जस्ट होप दैट यू विल आंसर जस्ट लाइक इन जस्ट लाइक वॉट एवर यू विल राइट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन तो मुझे ये चीज अब देखनी है आपकी कि आप किस तरीके से बोर्ड्स में कॉपी लिखोगे और बीच बीच में एक आध बार मैं ऐसा भी सेशन लूंगी जब आपको प्रॉपर बताऊंगी कि हाँ आपको बोर्ड्स में कैसे आंसर्स को फ्रेम करके लिखना है कैसे कॉपीज में कॉपीज में लिखनी चाहिए आंसर को टू द पॉइंट स पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगी बट बत अभी हमारा टारगेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फेस करना जो कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट है हम पढ़ाई बहुत कर लेते हैं लेकिन अगर हम वो उन क्वेश्चन को लगाना ही नहीं कर पाएंगे तो वॉट इज द यूज ऑफ स्टडिंग सो मच हार्ड है ना तो वो चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और क्वेश्चंस को लगाते जाइए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए आपके पास जो भी साइड बुक्स होंगी उनको लग, उनको यूज करिए उनसे क्वेश्चंस लगाइए जैसे एस चांद है हमारी तो एस चांद बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आप देखोगे तो उनमें ऑब्जेक्टिव पार्ट भी रहता है एस चांद में हर जैसे एक टॉपिक खत्म हुआ है तो हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस आ गए हैं उसमें शॉर्ट वेरी शॉर्ट लॉन्ग करके और एमसीक्यूज भी हैं उसमें तो मेरे हिसाब से तो एस चांद पर्याप्त होता है प्लस एनचांद को आपको तब यूज करना है जब आप एनसीआर पूरी तरह से कंप्लीट कर लो एनसीआर के जो इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं ना बुक्स के छोटे छोटे यूजुअली बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो उस छोटे छोटे बॉक्सेस के क्वेश्चंस को मिस कर देते हैं तो आपको उसको तो कतई नहीं मिस करना है सबसे पहली चीज अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सबसे पहली चीज तो ये देखना है आपको कि आप लिख लो आप अपनी कॉपी में चाहो तो नोट डाउन कर लो मैं लिख के दिखा दूँ चलो ठीक है मैं बताऊंगी आगे चलो थोड़ा सा लिखी देते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्टिविटीज जो होती हैं आपकी है ना जो एक्टिविटी आपकी बुक में दी गई हैं जो आपके पहले आप निकालो अपना क्या निकालोगे सिलेबस का प्रिंट आउट तो निकाल ही लिया होगा नहीं निकाला है तो कोई बात नहीं निकाल लो मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ आप, आप, आपके टैब में होगा आपके लैपटॉप में होगा आपके सिस्टम में होगा मोबाइल में होगा नहीं पेपर निकालो प्रिंट निकालो उसका उसमें चेक करो कि एक्टिविटी किस किस चीज की घुसी तो तो रहती है लेकिन अगर कोई हमें पका -पकाया बना के दे देता है ना तो हम उसकी कदरे नहीं कर पाते यू कह ले कि वो हमें उतनी अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में नहीं बैठ पाती है तो मेहनत आप खुद से करिए ठीक है तो एक्टिविटी क्वेश्चन आपने कर लिया सेकेंड आप क्या करो टेक्स्ट क्वेश्चंस जो होते हैं टेक्स्ट क्वेश्चंस मतलब बुक्स में जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए रहते हैं बॉक्स वाले क्वेश्चंस भी आप बोल सकते हो तो उन बॉक्स क्वेश्चंस को भी आप लगाना स्टार्ट कर दो ठीक है और, और भी बहुत सारी चीजें हैं बताएंगे बताएंगे एक बार में नहीं पहले हम लोग पहले यहाँ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद में बताते हूँ ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन वॉट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ये बेटा ये सारे जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगी ये सारे बोर्ड्स के ही क्वेश्चन हैं ठीक है बोर्ड एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं तो आपके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई किसी क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप मत करिएगा भले आपको लग रहा है कि आपको आता है आपके लिए बहुत इजी है बट स्टिल वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा जो क्योंकि आ, मैंने बताया था आप टेंथ स्टैंडर्ड में हो यही सेम चीज आप हम लोग क्लास थ्री फोर से अपने ईवीएस की किताबों में अपने साइंस की किताबों में पढ़ते हुए आए हैं लेकिन अब हमें आंसर्स को टू द पॉइंट फ्रेम करके लिखना है इसीलिए अच्छे से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा ठीक है चलिए हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं वॉट आर डिकम्पोजर्स ठीक है पहली चीज तो डिकम्पोजर्स होते क्या है और उनके दो इंपॉर्टेंट रोल बताइए जो डिकम्पोजर्स हमारे इको में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ठीक है चलिए तो डिकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है डिकम्पोज कर रहा है किसी चीज को है ना मतलब किसी चीज को क्या कर रहा है सड़ा रहा है यानी उसके जो केमिकल बॉन्डिंग्स हैं है ना जो उनके मोलिकुल्स मोलिकुलर बॉन्डिंग्स उनको ब्रेक करने में हेल्प कर रहा होता है डिकम्पोजेस तो भी क्या है जस्ट लाइक like, जैसे हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो भी तो किसी चीज को सड़ाने में हेल्प करते हैं फंगस होते हैं जो ब्रेड मोल्ड्स में लगे रहते हैं वो भी किसी चीज ब्रेड को खराब करते हैं उनके ब्रेड के मोलिकुलर फॉर्मुलेस को ब्रेक डाउन करेंगे तब जाके उसमें अटैक होता है तो डिकम्पोजेस क्या हो गए वो भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी तरह है ना दे आर ऑल्सो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है कोई भी जैसे एनिमल है उसकी बॉडी में या जैसे हम ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो सोशल एनिमल्स तो जैसे हम लोग की भी अगर डेथ होती है हमारी भी जो डेड बॉडी रहती है कुछ टाइम बाद उसमें से स्मेल आने लगता है सड़ने लगता है ना प्लांट्स भी हैं जो पेड़ है काफी टाइम से था वो किसी कारणवश पेड़ गिर गया आंधी तूफान आई गिर गया या बहुत से लोग महान लोग भी हैं हमारे देश में जो पेड़ों को काटते हैं तो उनकी वजह से भी वो जब पेड़ को कुछ ना करो बस मट्टी में वो डला है ठीक है तो एक टाइम के बाद उसमें से स्मेल आने लगती है तो वो क्यों हो रहा है बिकॉज द डिकम्पोजर्स आर एक्टिंग ऑन दैट दैट बॉडीज है ना चाहे वो एनिमल बॉडीज हो चाहे वो प्लांट्स हो तो इनके ऊपर एक्ट करते हैं इनको ब्रेक डाउन करते हैं किसमें ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रिटर्न एनवाइ और वापस वो उस चीज को एन्वायरमेंट में मिक्स कर देते जैसे कहते नहीं है कि हम एक पुरानी कहावत है कि हम मिट्टी से जन्मे हैं मिट्टी में ही मिल जाना है तो एक्चुअली में ये बात सच है हमारा जितने भी प्लांट्स होते हैं वो भी बेचारे मिट्टी में गिरे है ना उनकी डेथ हुई प्लांट बूढ़े हो गए गिर गए टूट गए जो भी हुआ फिर उनके ऊपर डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं फिर उनके जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उन पे एक्ट करेंगे उनको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर वो मिट्टी में धीरे धीरे वो दब जाती है और मिट्टी हमारी फर्टाइल बन जाती है कहीं कही ना कहीं ठीक है तो इनका भी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डिकम्पोज है डिकम्पोजेज दैट प्लांट्स एंड एनिमल एक्ट एज अ क्लीनिंग एजेंट हा देक्ट एज अ क्लीनिंग एजेंट भी हम बोल सकते हैं बेटा इसमें हमें टू द पॉइंट आंसर लिखना है तो आपको ये बताना है कि वो यहां पर जो लाइन लिखा है ना दैट ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो ये जो है ये जो लाइन है आपका ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर ये ल, ये जो वर्ड है ये आपको अपने आंसर्स में फ्रेम करोगे तो और अच्छा आंसर होगा एंड दे एक्ट एज अ क्लीनिंग एजेंट इट इज अब्सोल्यूटली करेक्ट ठीक है देखिए डिकम्पोजर्स जो होते हैं उसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फंगाई एंड बैक्टीरिया ये तो मैंने बता ही दिया था अपना हो गया अब इनकी इंपॉर्टेंस हमें पढ़नी कि इनका क्या रोल है हमारे एनवाट के लिए ठीक है तो जाहिर सी बात है जो ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं ना इनको एक्चुअली uh, में ये होते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप में इनको ब्रेक डाउन करने का हेल्प कौन कर रहा है डिकम्पोजेस uh, करते हैं और वो सिंपल बेसिक कॉम्पोनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे कार्बन हो गया नाइट्रोजन हो गया और हमें मालूम है हमारे सॉइल का जो अपर uh, लेयर होती है मिट्टी का जो ऊपरी भाग होता है उसमें फास्फोरस नाइट्रोजन वगैरह की मात्रा जितनी ज्यादा अच्छी रहती है उतनी अच्छी सॉइल की फर्टिलिटी मानी जाती है ये सब आपने अपने सोशल में पढ़े ही होंगे है ना तो इसीलिए इनके जो भी ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को उन लोग को बेसिक कॉम्पोनेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि कार्बन और नाइट्रोजन एंड रिलीज देम इन टू द एनवायरमेंट एंड हेल्प टू रिसाइकल देम ठीक है तो हमारी धरती से ही निकले हैं धरती में ही मिल गए हैं तो ये काम इनने कर दिया दूसरा क्या करते हैं दे फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स एंड दस प्रिवेंट द फोल ऑर्डर दैट स्प्रेड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मैंने ये चीज बताई थी आपको कि अगर किसी भी जानवर की डेथ हो जाती है तो वो उसका उसके बॉडी से आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम देर इज अ काइंड ऑफ अ फोल ऑर्डर वहां से निकलता है बदबू सी आती है स्मेल सी आती है तो उनको भी एक तरह से क्लीनिंग एजेंट की तरह वर्क करके करते हुए उनको मतलब उनके फोल ऑर्डर को खत्म करने में हेल्प करते हैं ठीक है तो जैसा है कि बच्चे ने बताया है दे एक्ट क्लीनिंग एजेंट आप ये भी लिख सकते हो ठीक है तो चलिए ये सारे पॉइंट्स हैं आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो है ना आराम से लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग ये हमारा एक फूड चेन है ठीक है क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर फूड चेन में केवल टू जूल ऑफ एनर्जी वॉज अवेलेबल टू द पिकॉक्स यानी पिकॉक आ गया हमारा लास्ट में इसके पास लास्ट में सिर्फ दो जूल की एनर्जी बची रह गई क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी वुड हैव बीन प्रेजेंट इन द ग्रास मतलब जो स्टार्टिंग में था जो टॉप लेवल पे था हमारा प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर के पास कितनी एनर्जी थी जिससे कि वो एनर्जी ट्रांसफर होते 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 पिकॉक के पास आके दो जूल की एनर्जी बच गई जल्दी से बताइए बहुत इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आया है ये कितने मार्क्स का होगा ये मेरे हिसाब से शायद ये टू मार्क्स का क्वेश्चन था ये बताइए जल्दी से बेटा क्या होगा मैथ्स है थोड़ा सा फिजिक्स एंड मैथ्स बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर जल्दी बताइए हालांकि साइंस के सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स या सारे सभी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेट तो करती करती हैं तो बताइए अगर पिकॉक के पास टू जूल की एनर्जी थी तो ग्रास के पास कितनी होगी क्या होगी मैं बताती हूं देखो हमें मालूम है टेन परसेंट लॉ एनर्जी लंड का ठीक है तो ये जो टेन परसेंट लॉ एनर्जी क्या बोलता था कि कितनी कोई भी साइकिल में टेन परसेंट की एनर्जी क्या हो रही है ट्रांसफर होती है अगले साइकिल वाले को तो अगर हम बोल दे कि इसके पास दो जूल है हमें अगर मान लो अगर यहां पे होता ट्वे ट्वेंटी लैख ठीक है या टू लैख बोल लो आप ठीक है मान लो इसके पास टू लैख होता तो टू लैख का टेन परसेंट इसको जाता फिर जो भी इसके जो आउटपुट आता उसका टेन परसेंट फ्रॉक को जाता फिर उसका टेन परसेंट स्नेक को जाता फिर ऐसे करते करते पिकॉक को जाता टेन परसेंट फिर फाइनली टू जूल हो जाता तो मुझे पहले आंसर बताओ फिर तो मैं नीचे स्क्रॉल करूं नहीं आ रहा आंसर चलिए देखिए अकॉर्डिंग टू टेन परसेंट लॉ आंसर आपको ऐसे ही फ्रेम करना है ये नहीं कि बस उठाए सीधे मैथ्स लगा दिया खत्म कर दिया आंसर वो नहीं पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि टेन परसेंट लॉ की वजह से किसी भी फूड चेन में टेन परसेंट लॉ लगता है और उसी टेन परसेंट लॉ की वजह से टेन परसेंट की एनर्जी हर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ट्रॉपिक लेवल में जाके ट्रांसफर हो जाती है तो इसीलिए जो एनर्जी है वो हमारी हर टेन परसेंट से डिक्रीज हो रही है मतलब जो सबसे लास्ट ट्रॉपिक लेवल पे जो भी ऑर्गेनिज्म होगा या जो भी होंगे ऑर्गेनिजम्स उनके पास सबसे वन ऑफ द मिनिमल एनर्जी मिनिमन सबसे कम एनर्जी उनके पास रहती है सबसे जो सबसे डाउन में होते हैं हमारे तभी हमारा ट्रैंगुलर शेप में बन रहा है कुछ याद आ रहा है ट्राइंगुलर शेप में बनता था क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे प्रोड्यूसर के पास एनर्जी रहती थी फिर वो धीरे 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 कम होती जाती थी ठीक है अब देखो यहां पे क्वेश्चन कैसे लिखेंगे ये बोल रहा है कि मान लो ग्रास के पास यहां कितनी एनर्जी हो गई ट्वेंटी थाउजेंड जूल की एनर्जी थी ट्वेंटी थाउजेंड ही है ना हाँ ठीक है ग्रास के पास लेट सपोज ट्वेंटी थाउजेंड जूल की एनर्जी थी तो टेन परसेंट अगर ट्वेंटी थाउजेंड का निकालेंगे तो कितना आएगा यहां पे देखो लिखा हुआ है मैं लिख दे रही हूं आपको ये हो गया टू थाउजेंड जूल ठीक है ट्वेंटी थाउजेंड का टेन परसेंट निकालेंगे तो टू थाउजेंड यानी ग्रास ऊपर के पास कितना आ गया टू थाउजेंड आ गया ठीक है कनक आंसर है 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 लिखा आपने ठीक चलिए देखते हैं तो टू थाउजेंड जूल आ गए यहाँ पे है ना फिर ये टू थाउजेंड का टेन परसेंट निकालेंगे तो किसके पास आएगा इस फ्रॉक के पास आ जाएगा तो टू थाउजेंड का टेन परसेंट निकाला तो दो सौ आ गया तो फ्रॉक के पास कितनी एनर्जी आ गई 200 जूल आ गई फिर इस 200 जूल का फिर से 10 परसेंट निकालेंगे तो इस स्नेक के पास आएगा तो कितना जूल आ जाएगा इस स्नेक के पास? 20 जूल आ जाएगा फिर इस स्नेक से 10 परसेंट और निकालेंगे तो पिकॉक के पास 2 जूल आ जाएगा मतलब हमारे घास के पास कितनी एनर्जी थी टोटल कितनी थी एनर्जी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ये हमारे इसके पास थी एक जीरो यहां से अगर आप कम कर दोगे 20000 जूल की एनर्जी थी ठीक है देखो क्या किया इसने एक-एक जीरो बढ़ाते जाओ ना इसके साथ 2 जूल था 2 जूल पे एक जीरो और बढ़ा दिया क्योंकि 10% का बोला था तो 20 हो गया 20 का एक जीरो बढ़ाया 200 हो गया 200 का एक जीरो बढ़ाया 2000 हो गया 2000 हो गया 2000 का एक जीरो और बढ़ा दिया तो 20000 हो गया बस <laughs> हां ठीक है चलिए तो अब आपको कुछ नहीं करना है है ना एक एक जीरो घटाते जाना है और इधर से एक एक जीरो बढ़ाते जाना है उधर से चलोगे तो एक जीरो घटाते जाओ क्योंकि एनर्जी हमारी डाउन होती है और अगर हम लोग उल्टा चल रहे हैं तो बढ़ाते जाओ बस हो गया खत्म तो ये इतना सारा आंसर आ गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि भाई ट्रॉपिक लेवल क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखना है प्रिपेयर अ फूड चेन कंप्राइजिंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स मतलब एक ऐसा फूड चेन बनाइए जिसमें स्नेक्स भी हो प्लांट्स भी हो हॉक्स भी हो और रैट्स भी हो ठीक है चलिए चल स्टार्ट करते हैं तो ट्रॉफिक लेवल हमें मालूम है जो लेवल बाय लेवल पे हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को एक साथ आ, अरेंज करके रखते हैं तो ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द पोजीशन इट ऑक्यूपाइज इन अ फूड वेब ये भी इसका भी मैंने ट्रॉपिक लेवल का एक डेफिनेशन और बताया था हमारे सेशन में ठीक है एक डेफिनेशन ये भी है हमारा आप चाहो तो इसको आंसर को और अच्छा बनाने के लिए आप अपनी कॉपी में इस तरीके का पिरामिडिकल शेप आप बना देना ठीक है और इन पे नाम लिख देना कि ये पहले प्रोड्यूसर होते हैं फिर प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर फिर ऐसे कर करके आप इनके नेमिंग कर दोगे तो और यहां पे लिख देना यहां पे ट्रॉपिक लेवल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स तो देखो साइंस में हम जब आंसर्स लिखते हैं ठीक है तो वो अगर एक डायग्राम के साथ अगर आपका आंसर जा रहा है तो 0.25 मार्क्स वहां पे ऐड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा पूरा का पूरा उसको साइंस को इंग्लिश मत बनाइएगा कि पूरा ही हम इंग्लिश में लिख रहे हैं इंग्लिश में तो लिखेंगे ही लेकिन लिखेंगे नहीं था। उसका स्ट्रक्चर इंग्लिश जैसा नहीं होना चाहिए आपको डायग्राम्स भी दिखाना है और फिजिक्स है तो विदाउट डायग्राम्स तो फिजिक्स पॉसिबल ही नहीं होता है है ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो ट्रॉफिक लेवल का हमारा डेफिनेशन हो गया है ठीक है अब यहां पे बोल रहा है प्रिपेयर अ फूड चेन कंप्राइजिंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स तो यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई पहले फूड चेन बनाओ तो पहले आप क्या करोगे आंसर को और अच्छा बनाने के लिए पहले आप फूड चेन का भी डेफिनेशन दोगे छोटा सा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर हमने ऑलरेडी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं तो हमें टाइम नहीं लगना चाहिए तो फूड चेन में क्या बोल रहा है फूड चेन रेफर्स टू तो द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन एन इको सिस्टम वे आर वन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इट्स अनदर ऑर्गेनिजम्स एंड द लेटर एंड सो ऑन ठीक है तो इस तरीके से हमारा जो कंजम्पशन है वो अलग अलग लेवल पे जाता है ठीक है द फ्लो ऑफ न्यूट्रंट्स एंड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स फॉर्म्स ऑफ फूड चेन तो यहां पे आपका ये जो आंसर लिखा है द फ्लो ऑफ एनर्जी वाला ये वाला इसको भी आप फूड चेन का डेफिनेशन दे सकते हो ठीक है चलिए अब इनको बोल रहा था इनको देखो फूड चेन का मतलब क्या है एरो लगा के इनको इनको एक साथ अरेंज करके देना है तो भाई लो प्लांट्स हो गए पहले प्लांट्स को कौन खाएगा रैट्स खाएंगे चूहे खाएंगे चूहों को स्नेक्स खाते हैं स्नेक्स को हॉक्स खा लेते हैं चम, चील चमगादड़ की तरह होते हैं हॉक्स वही होते हैं तो ये सब एक दूसरे को खा लेंगे तो देखो ये डिसबैलेंस में डिस करके दिया था और आपको इसको अरेंज करके आपने इसको प्रॉपर एरो बाय एरो लगा के आपने आंसर बना दिया अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे प्लांट्स का डायग्राम बनाओ रेट्स का डायग्राम बनाओ उतना नहीं हमें सिस्टमेटिक वे में चलना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे वन ऑफ द टॉपिक फेवरेट क्वेश्चन रहता है बहुत uh, कॉमन क्वेश्चन है एक तरह से ये बोल सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का डिफरेंस बिटवीन करना है यहाँ पे और उनके एक एक एग्जाम्पल्स भी लेने हैं ठीक है चलिए फटाक से बताइए अंकिता गुड आफ्टरनून जल्दी से मुझे ये बताइए कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है पहले और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है फिर मैं इसक्रॉल करूंगी बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो अर्थ में सारे वेस्ट मटेरियल मिक्स हो जाते हैं बहुत जल्दी वो क्या कहते हैं बहुत जल्दी वो डिग्रेड हो जाते हैं ठीक है और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बिल्कुल भी अर्थ में नहीं मिल पाते हैं इनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है अर्थ में मिक्स होने के लिए ठीक चलिए तो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर दो सब्सटेंसेस दैट डिग्रेड और ब्रेक डाउन नेचुरली अपने आप हो जाते हैं जैसे पेड़ अगर गिर गया है तो इन जानवर अगर मर गया है तो हम इंसानों को भी जैसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग कस्टम्स होते हैं इंसानों को डेड इंसानों के डेड बॉडीज़ को क्या कहते हैं उनके डेथ के बाद डेथ के बाद आगे की प्रोसीजर करने में जैसे हिंदूज में होता है उनकी डेड बॉडी को जलाया जाता है है ना और अगर जैसे हम ये बोले क्रिश्चियंस होते हैं क्रिश्चियंस में उनकी डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है है ना मुस्लिम कम्युनिटी में भी डेड बॉडीज को दफनाया जाता है तो अलग अलग जो रिलीजन है हमारे इंडिया के अलग अलग रिलीजन में अलग अलग कस्टम्स होते हैं डेड बॉडीज़ के लिए तो जो डेड बॉडीज़ ज़मीन में दफनाई गई हैं उन पे भी बैक्टीरियाज वगैरह एक्ट करते हैं बायोडिग्रेड हो जाते हैं आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वहां पे सिर्फ क्या बचता है हड्डी बचती है और हड्डी भी उनको डिग्रेड होने में काफ़ी टाइम लगता है लेकिन जो बॉडी होती है नॉर्मल अपनी वो डिग्रेड हो जाती है आराम से ठीक है तो ये हो गया हमारा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का डेफिनेशन अब इसमें बोल रहा है हाँ आप आंसर बोला है मेनली ऑर्गेनिक वेस्टेज विच कैन बी ब्रोकन इन टू सिंपलर फॉर्म बाई माइक्रोब्स आर कॉल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड द वेस्टेज विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाई नेचुरल ऑर्गेनिक एंड मोस्टली द सोर्स ऑफ पोल्यूशन ठीक है ये भी सही है चलिए और इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें जो प्लांट्स हो गए एनिमल्स हो गए उनके वेस्ट हो गए है ना पेपर हो गया फ्रूट्स हो गए वेजिटेबल्स वगैरह हो गए ये सारी इन बायोडिग्रे बायोडिग्रेडेबल बायो सब्सटेंसेस के कैटेगरीज में आते हैं इधर साइड में क्या हो गए रबर हो गया प्लास्टिक हो गया केमिकल्स हो गया पेंट्स हो गया तो ये सारी चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं तीसरा द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑकर्स फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स सचैस किचन वेस्ट हो गया घर का जो भी खाना रहता है हमारा ठीक है ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया पेपर हो गया ये मतलब एक तरह से सेकंड पॉइंट और जो थर्ड पॉइंट है ये एक जैसा ही है बस इसको घुमा घुमा के लिख दिया गया है आंसर को बढ़ाने का तरीका है ठीक है इसमें देखिए नॉन नॉन वाले में क्या है इट इज़ यूजअली सीन दैट द नॉन बाय डिग्रेडेबल सब्सटैंसेज आर केमिकली सिंथेसाइज एंड डज नॉट ऑकर नेचुरली जो मैनमेड होते हैं एक्चुअली में है ना ज्यादातर मैनमेड से ही होते हैं जो नहीं नेचुरल ऑकर हो पाते ऐसा नहीं जबकि रबर का जो पेड़ है उसी से रबर हम लोग बनाते हैं है ना प्लास्टिक केमिकल्स वगैरह ये भी हम ही बनाते हैं चलिए नेक्स्ट आता है इसमें द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पे भी आपको लिखना है द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इनका फास्ट होता है इनका बहुत ज्यादा स्लो होता है जैसे रबर है गया प्लास्टिक हो गया इनको डिकम्पोज होने में कई 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 साल लग जाते लेकिन इधर नहीं होता ऐसा इधर तो कुछ ही महीनों में खेल हो जाता है ठीक है इसमें जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गए फंगाई हो गए इनकी इतनी अच्छी कैपेबिलिटीज होती हैं कि इन जो बायोडिग्रेडेबल में जो भी कॉम्पोनेंट्स आते हैं इनको डिकम्पोज कर देते हैं मिट्टी में मिला देते हैं और मिट्टी की फर्टिलिटी भी बढ़ाने में हेल्प करते हैं तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हो कि फर्टिलिटी जो है वो हमारी बढ़ने में हेल्प होती है जस्ट बिकॉज ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज की वजह से इसमें उल्टा हो रहा है ये डिग्रेड इतनी जल्दी नहीं कर पाते ये सड़ा नहीं पाते इतनी जल्दी किसी भी नेचुरल एजेंट्स की मदद से इसमें क्या है जब डिक्रेडेशन हो जाता है ठीक है द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस बनती है हाँ ये चीज मैंने बताना अपने सेशन में भूल गए थे कि हम लोग खाद वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह कंपोस्ट वगैरह तो बनाते ही हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज बनती है हमारे कचड़ों से वो बनती है बायोगैस और बायोगैस प्लांट भी बहुत सारी जगह पे अब सेटअप होने लगा है क्योंकि हमारे यहाँ हमारे यहाँ क्या कहीं भी आप जाओगे इंडिया के किसी भी कोने में जाओगे इंसान है पॉपुलेशन है तो कचरा तो होगा ही वेस्ट तो निकलेंगे ही निकलेंगे तो उन वेस्ट को यूज करके सबसे ज्यादा बायोगैस में अगर हम बनाने की हेल्प करने लगे तो हमारा बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा हमारे लिए नेचर नेचर के लिए भी अर्थ के लिए भी ठीक है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बहुत सारी जगह तो अब तो बायोगैस प्लांट भी लगाने लगे हैं उस जगह पे जहां पे कचड़े फेंके जाते थे ठीक है चलिए एज द डिग्रेडेशन रेट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज स्लो एंड द सेपरेशन एंड द रिसाइकलिंग आर नॉट easy एंड एक्सपेंसिव टू देखो कितना दिक्कत आ रहा है कि ये थोड़े से महंगे भी पड़ जाते हैं इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेपरेट करना उनको सेग्रीगेट करना सेग्रीगेट अगर वर्ड लिखोगे तो और अच्छा हो जाएगा ठीक है तो वो सारी चीजें अगर आप लिखते हो तो वो आपको आंसर थोड़ा अच्छा बना देगा तो इनको सेग्रीगेट करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये थोड़े से इनका जो प्रोसेस होता थो है थोड़ा महंगा भी होता है एज कंपेयर टू बायोडिग्रेडेबल से ठीक है चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज कर लेते हैं हाँ छोटा सा है ज्यादा बड़ा नहीं है कह रहा है यहां पे हाँ एक ये चीज आप कर लीजिएगा वन थाउजेंड की जगह टेन थाउजेंड कर लीजिएगा एक जीरो बढ़ा देना आप कह रहा है कि अगर टेन थाउजेंड जूल्स की अगर एनर्जी है ठीक है वो फर्स्ट टॉपिक लेवल पे है ठीक है फॉर द ट्रांसफर टू द ऑर्गेनिज्म ट्रॉफिक लेवल पे देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म फोर्थ ट्रॉफिक लेवल क्या ये क्वेश्चन स्टार्टिंग के क्वेश्चन से इंटर रिलेट कर रहा है बस आंसर को लिखने का क्वेश्चन को लिखने का तरीका देखो कैसे घुमाया जा रहा है अरे भैया साफ शब्दों में क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फर्स्ट वाले के पास यानी प्रोड्यूसर के पास 10,000 जूल की एनर्जी है तो लास्ट वाले ट्रॉपिक लेवल के पास कितनी एनर्जी जाएगी जल्दी से बता दो चौथे नंबर का पूछ रहा है फोर्थ नंबर का क्या करेंगे जल्दी बताइए आंसर देखिए 10 परसेंट जूल की एनर्जी का लॉ लगाएंगे 10 परसेंट लॉ लगाते हैं यहां पे हम लोग ये था 10,000 जूल ठीक है इसका अगर हम लोग 10 परसेंट निकालते हैं नॉर्मली है 10,000 लिखेंगे पहले इन टू लिखेंगे अपॉन हंड्रेड कर देंगे तो कितने जीरो कटते हैं भाई एक बार में जल्दी बताओ एक ही जीरो कटेगा ना तो ये वन थाउजेंड बन जाएगा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के लिए हाँ यही चीज है देखो जो हम मैंने आपको बताया था लास्ट वीक क्या बताया था कि हर ट्रॉपिक लेवल पे जितने जीरो देंगे उतना जीरो घटाते जाओ बस और कुछ नहीं करना है इसका सिंपल सादा ट्रिक यही कहलाता है कितने कौन से नंबर का पूछ रहा है चौथे नंबर का पूछ रहा है ठीक है मान लो अगर मैंने टेन थाउजेंड लिखा है एक दो तीन चार चौथे नंबर का पूछा है ना तो इधर से चार जीरो काटना स्टार्ट कर दो एक जीरो दो जीरो तीन जीरो चार जीरो क्या बचा लास्ट में वन तो जो फोर्थ टॉपिक लेवल पे होगा उसके पास सिर्फ वन जूल का ही एनर्जी बचेगा भाई कुछ नहीं करना था देखो यहां की एनर्जी किसके पास आ गई ये सेकंड वाले के पास आ गई वन थाउजेंड का फिर से टेन परसेंट निकालेंगे तो वो हंड्रेड आएगा बेटा ये थर्ड वाले के पास आएगी हंड्रेड का फिर से 10 परसेंट निकालेंगे तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है क्या हाँ तो 10 आ रहा है ठीक है तो आंसर हमारा हंड्रेड टे, का टेन परसेंट निकालेंगे तो टेन आ रहा है तो टेन जूल की एनर्जी बच रही है चौथे वाले के पास चलिए टेन थाउजेंड बच रही है टेन बच रही कि वन बच रही है? भाई जल्दी से बताओ निकाल लो जल्दी से वन थाउजेंड है चलो इसका टेन परसेंट निकाल लो अपन भाई दो जीरो दो जीरो काट दिया कितना आया हंड्रेड ही तो आ रहा है है ना फिर हंड्रेड का निकालेंगे तो टेन आ रहा है देखो जल्दी से ये देखो टेन थाउजेंड था मैंने जीरो सही काटा था ना हाँ सही काटा था एक जीरो दो जीरो तीन जीरो हाँ टेन आएगा टेन आएगा आंसर बेटा इसका, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कुल्हड़ होते हैं आजकल आप लोग देखते ही होंगे, अब यहां पे हमारा जो सेशन है खत्म होने का टाइम आ रहा है बट फिर भी ज़बरदस्ती सेशन लेने का मेरा हक हाँ है <laughs> तो ये एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कुल्लड़ जो होते हैं आजकल हम लोग जाते भी है कहीं भी तो कुल्लड़ में चाय वगैरह पीने का बहुत क्रेज़ बढ़ गया है या पेपर पेपर कप्स जो होते हैं तो कुल्लड़ होते हैं वो मिट्टी के बनाए हुए कप्स होते हैं है ना इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है सौंधी सौंधी सी मिट्टी की या हम लोग बोले डिस्पोजेबल पेपर कप्स जो चाय वगैरह यूज होते हैं तो इनका क्या है ये बोला जा रहा है कि जो प्लास्टिक के कप होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए कुल्हड़ या पेपर कप्स का यूज बहुत अच्छा होता है है ना इट इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड तो अब ये कह रहा है कि विच ऑफ दीज टू कैन बी कंसिडर एज अ बेटर अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक कप्स एंड वाई कह रहा है कि कुल्हड़ और पेपर कप में सबसे अच्छा क्या हो सकता है हम लोग प्लास्टिक कप को रिप्लेस करें तो समझ गए कि प्लास्टिक कप के जगह हम लोग देखो ये हो गई हमारी प्लास्टिक कप ठीक है इसके जगह पे हम लोग कुल्हड़ का यूज करें या पेपर कप्स का यूज करें जल्दी बताओ बेस्ट क्या है और क्यों है टू मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका पेपर कप्स है ऑब्वियस सी बात है ये पेपर से बनेंगे है ना पेपर जो होता है ये बायोडिग्रेडेबल होता है ये हमारे एन्वायरमेंट को कहीं से कहीं तक नुकसान नहीं पहुंचाता है ठीक है पेपर कप्स जो होते हैं वो चीप होते हैं सस्ते होते हैं और हाइजीनिक होते हैं मतलब साफ सुथरे भी हो सकते हैं और इनको हम लोग प्रॉपर से वापस से रिसाइकल कर सकते हैं वापस से रीयूज भी कर सकते हैं ठीक है तो हमारा क्या होगा कि अगर हम कुल्हड़ बना रहे हैं कुल्हड़ क्योंकि बनती है मिट्टी से और मिट्टी का अगर हम अगर हम लोगों ने कुल्हड़ को ज्यादा मात्रा में बनाया तो ऑबियस हम लोग मिट्टी के टॉप लेयर को यूज करेंगे है ना और मिट्टी का जो टॉप लेयर होता है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है जिसको फसलों को उगाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है तो बेस्ट ये होता है कि कुल्हड़ के जगह पेपर कप्स का हम लोग यूज करें ठीक है क्योंकि उससे हमारी फर्टिलिटी खराब नहीं हो रही है उसको हम लोग वापस से रिसाइकिल कर सकते हैं कुल्हड़ क्या है उसको यूज किया मिट्टी है मिट्टी को सुखा के हम लोगों ने बना दिया और वो हमारे जो कप्स होते हैं उनको टोड़ दिया टोट के फेंक दिया वो खत्म वेस्ट है वो तो पेपर कप इज द बेस्ट अल्टरनेटिव इंस्टीड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कप वी शुड यूज पेपर कप्स है ना तो चलिए हमारा आज का हम स्टूडेंट्स गन पेपर क्या गन पेपर के साथ हैं चलिए तो अब हमारा यहाँ का सेशन खत्म हो गया है हमारा और हम लोगों ने यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेट जो भी क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे और दिया है ये आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से एक क्वेश्चन छोड़ना गलत बात हो जाती है तो ये आप देख लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है आंसर्स को लिखिएगा और बताइएगा लिख के हमें तो अब हम लोग अब मैं क्या करूंगी अब आपका जो जो भी प्रीवियस चैप्टर्स थे यानी इलेक्ट्रिसिटी हो गया मैग्नेट हो गया इनसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं हमारे लाइट से भी ज़्यादा आ रहा है टेन मार्क्स का तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इन तीनों का मिक्स करके आपको क्वेश्चंस कराऊं ठीक है तो सेशंस को आप ज्वाइन करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताते रहिए बिकॉज अब तो आगे तैयारी का टाइम भाई अब हो गया जितनी पढ़ाई करनी थी अब तैयारी करनी अच्छे से क्वेश्चंस भी अगर आप लगा लोगे ना तो धीरे धीरे इन क्वेश्चंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है ना वो भी क्लियर होते जाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक में ये भी चीज थी ये चीज मिस हो गई थी तो पढ़ते रहिए अच्छे से फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में आपके साथ तब तक के लिए जय हिंद धन्यवाद

प्यारे बच्चों मैं हूँ स्वप्निल और स्वागत करती हूँ आपका ए में तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो हमारा क्या था चैप्टर नंबर फोर जिसका नाम क्या था केमिकल कंपाउंड्स एंड इट्स सॉरी कार्बन कंपाउंड्स एंड इट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आज चैप्टर का नाम ही गलत हो गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ठीक है ना तो यहाँ पे क्या है कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स इनकी स्टडी हम क्यों कर रहे हैं ठीक है इनकी स्टडी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मैंने आपको पहले भी समझाया था जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था कार्बन और उसके कंपाउंड्स का तो इसमें ये टोटली मतलब बेस है किसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ठीक है कार्बन और उसके साथ जुड़ते हुए जितने भी कंपाउंड्स बन रहे हैं कार्बन को लेके वो सब हम किस में स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ठीक है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शन ग्रुप मिलेंगे कार्बन की बहुत सारी जो नेचर है कार्बन का वो हम समझते हैं कि कार्बन क्या करता है कैटिनेशन करता है मतलब एक लंबी श्रृंखला बनाता है है ना लंबी चेन बनाता है और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अब लास्ट सेशन में हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस कर लिया था हमने फिर उसके बाद हम आ गए थे तो हमने कुछ नॉमिन पढ़े थे मतलब की नेमिंग वगैरह हमने देखी थी कि जो जो भी हाइड्रोकार्बन होंगे तो कार्बन एटम जो भी होते हैं उस पर उनका जो नेम होता है वो डिपेंड होता है कैसे जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो किसी भी किसी भी उसमें सपोज कोई भी एक हमने ले लिया ले, ले, ले लिया एक कार्बन है तो उसका वर्ड क्या होगा मेथ दो कार्बन है तो एथ तीन कार्बन है तो प्रोप फोर कार्बन है तो ब्यूट तो जब हम ये वर्ड सीख जाते हैं में चलो हमने वर्ड तो देख लिया जो किस पर डिपेंड कर रहे थे कि कितने कार्बन एटम्स जो है वो प्रेजेंट है।, है ना कितने कार्बन एटम्स जो है वो प्रेजेंट है किस में किसी भी एक सब्सटेंस में या कंपाउंड में है ना उस कंपाउंड के अकॉर्डिंग हमने एक रूट वर्ड दे दिया था फिर हमें यह पता चला था कि हेलो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं एक क्या होता है हमारा सैचुरेटेड और एक होता है अनसेचुरेटेड सैचुरेटेड में भी हम क्या लगा रहे थे जैसे मेथ लगाया और अगर सैचुरेटेड बन रहा है मतलब कि सिंगल बॉन्ड जो है वो बन रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे थे एन लगा रहे थे है ना ए एन ई तो क्या बन रहा था मेथेन इतनी बात तो क्लियर थी है ना उसके बाद जब हम सेकेंड में जा रहे थे तो वहां हम देख रहे थे कि कार्बन और कार्बन अगर मैं ऐसे बोलूं कि मिथिन जो थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती क्यों क्योंकि यहां पे हमको ये पता है कि कार्बन और कार्बन आइटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है है ना जब दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो वो क्या बनते हैं एल्किन बनते हैं ये हमें क्लियर था है ना छोटा छोटा पॉइंट है आपको अपने दिमाग में रखने तो एल्कीन अब कहा से बन रहा था हमारे एथ से बन रहा था ठीक है मतलब कि दो कार्बन जहां पे प्रेजेंट थे ठीक है तो यहाँ पे क्या हो गया था हमारा एथीन हो गया था है ना? एथ और ई एन ई तो ये हमें समझ में आया था कि ये अनसेचुरटेड हाइड्रोकार्बन है फिर हम तीसरे तीसरे ग्रुप में जब आ रहे थे तो वहां हमारा क्या था एल्काइन है ना एल्काइन मतलब कि कार्बन और कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड थे है ना मतलब दो कार्बन जो थे वो जुड़े हुए थे तीन कार्बन से जब तीनों बॉन्ड उनके फुलफिल थे सिर्फ कार्बन आइटम के साथ ही अटैच होने में तो बाहर उनके लिए सिर्फ एक ही बॉन्ड खुला हुआ था जिसमें हाइड्रोजन आके अटैच हो रहा था तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा था सी टू एच टू मतलब की अब यहाँ पे मिथाइन तो बनेगा नहीं क्योंकि मिथेइन में सिर्फ एक कार्बन कंपाउंड है है ना तो दूसरा कार्बन कंपाउंड है ही नहीं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो यहाँ पे हमारा क्या क्या था इथाइन क्योंकि दो कार्बन चाहिए थे हमें जो कि हो गए थे तो इतनी बात हमारी बिल्कुल क्लियर थी ना इतने में कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए और होगी भी नहीं ठीक है इतनी चीजें क्लियर होगी अब अगर हमारा नेक्स्ट टर्म जो आता है जो हम देखेंगे वो होगा आइसोमर्स तो आइसोमर्स की अगर मैं बात करूं तो आइसोमर्स होते क्या हैं अब यहाँ पे हम बार बार ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड या जो भी वट जो भी है इनकी जगह हम मोस्टली क्या यूज करेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि जहां पर भी कार्बन प्रेजेंट होगा और हाइड्रोजन होगा मतलब कार्बन के कंपाउंड जो होंगे उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहेंगे ठीक है तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो रहा है उसका क्या हो रहा है कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो रहा है लेकिन जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या हो रहा है वो स्ट्रक्चर बिल्कुल भी अलग हो जा रहा है कैसे अगर यहाँ पे देखें हम तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो हम क्या एग्जाम्पल लिखा ब्यूटेन ब्यूटेन की अगर मैं बात करूं तो ब्यूट आ रहा है मतलब वर्ड क्या हमारा ब्यूट ब्यूट मतलब कि कार्बन कितने हैं फोर ठीक है हाइड्रोजन की बात करेंगे एन है मतलब कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो एच कितने हो जाएंगे हमारे पास अगर मैं जनरल फॉर्मूला रखूं सी एन एच टू एन प्लस वन तो टू एन एन मतलब कि फोर हो गया तो टू एन मतलब कि कितना हो गया फोर टूजा सॉरी यहां टू आएगा टू है ना तो एन कितना हो फोर टूजा कितना हो गया एट और प्लस टू कर दिया तो कितना हो जाएगा हमारा टेन तो हाइड्रोजन के नंबर कितने आ गए हमारे पास यहां पर टेन आ गए ठीक है तो अगर मैं इसको ऐसे देखू तो मतलब अगर मैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाऊंगी तो ये ऐसे चेन बनेगी है ना लंबी चेन बनेगी जिसको हम ओपन चेन भी बोलते हैं इतनी चीज समझ में आ गई स्ट्रेट चेन बोलते हैं जिसको हम है ना ओपन चेन में भी दो होगी एक स्ट्रेट होगी एक ब्रांच होगी तो यहां पे अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये एक सीधी चेन बनेगी तो कार्बन कंपाउंड्स को अगर हम यहां रखें एटम्स को तो ये होगा सी टू थ्री और ये फोर ठीक है अब यहां अगर मैं बैलेंसी देखूँ तो वन टू थ्री तो कार्बन की चार की वैलेंसी कंप्लीट हो गई यहाँ पे हमने रख दिया एच यहाँ पे हो गया हमारा एच यहाँ पे हो गया हमारा एच यहां देखेंगे तो एक एच क्योंकि एक यहाँ पे है एक यहाँ पे दो है मतलब कि कितना हो गया एक और एच यहाँ पे देखेंगे फिर यहाँ पे भी दो एच आ जाएंगे क्योंकि इस कार्बन की भी चार वैलेंसी कंप्लीट हो गई यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे कार्बन सिर्फ की वैलेंसी कितनी कि सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने ऐड हो जाएंगे तीन ऐड हो जाएंगे है ना ये यहाँ हो गया तो ये एच ये एच और ये एच इतनी चीज समझ में आ गई अब इस कार्बन को अगर देखा जाए तो ये कार्बन में कितने हाइड्रोजन ऐड हुए हैं तीन तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी एच थ्री या कितने हाइड्रोजन है दो तो कितने हो गए CH. इतनी बात क्लियर हो गई इस कार्बन में देखा जाए तो यहां पे भी दो है तो टू यहां पे भी क्या हो जाएगा सी एच टू और इस कार्बन को देखेंगे तो कितने हो रहे हैं तीन हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा सी एच थ्री तो क्लियर होगी बात इसको कैसे लिख सकते हैं हम सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू और सी एच थ्री कार्बन देखें तो वन टू थ्री फोर और ये थ्री टू फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन हाइड्रोजन भी टेन हो रहा है मतलब कि ब्यूटेन का ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा बात इतनी क्लियर है तो ये हमारा काय का स्ट्रक्चर कहलाएगा ये हमारा कहलाएगा n ब्यूटेन एंड किसको रिप्रेजेंट करेगा मतलब कि नॉर्मल ये क्या हो गया नॉर्मल ब्यूटेन क्लियर इतनी बात अब इसी ब्यूटेन को अब मैं क्या करूं यहां पे यहां पर एक तो सीधी चेन जा रही ठीक है इसी चेन को अगर मैं वन टू थ्री और यहां एक कार्बन और कर दू तो भी चार कार्बन हो गए बिल्कुल हो गए अब मैं अगर इसको अरेंज करूं तो यहां पे हो जाएगा C C C और यहां पे हो गया मेरा C हो गया चार कार्बन यहां पे देखूं तो इस कार्बन के पास कितनी वैलेंसी बाकी है अभी सिर्फ एक ही कंप्लीट हुई है मतलब कि तीन बाकी हैं ये हो होगी हमारे तीन वन ये ये हो गया ये हो गया गया टू और हमारा थ्री कंप्लीट इस कार्बन को देखो तो वन टू थ्री कंप्लीट है तो यहां कितनी बची केवल एक एच हो गया इस कार्बन को देखेंगे तो यहां पे भी तीन बाकी हैं तो ये हो गई हमारी तीन ये ये तीन हो गई इस कार्बन को देखा तो यहां पे भी एक कंप्लीट है तो यहां पे भी कितनी हो गई थ्री एच एच और एच क्लियर है इतना अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो पहला कार्बन है इसमें कितने हैं सी एच थ्री है ना तो इसको मैं यहां लिख दू अगर क्यों नहीं हाँ ठीक है यहां पे कितना हो रहा है पहले कार्बन में हमारे कितने हो रहे सी एच थ्री ठीक है दूसरे कार्बन को अगर मैं देखूं तो यहाँ कितने हैं सी एच तो कितना हो गया यहाँ पे सी एच ठीक है फिर इसी के नीचे जो कार्बन जुड़ा है इसमें भी तीन आ, जो है सी एच थ्री है ठीक है यहां पे देखेंगे लास्ट वाला तो ये भी सी एच थ्री है ये भी क्या हो गया सी एच थ्री

अब क्या है कितने कार्बन है वन टू थ्री थ्री कार्बन है मतलब क्या हो जाएगा प्रोपेन तो क्या हो गया टू प्रोपेन ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम तो यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे ब्यूटेन जो है उसका स्ट्रक्चर जो देखे अगर हम क्या मोलिकुलर फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो बिल्कुल सेम जा रहा है क्या जा रहा है सी फोर एच टेन लेकिन जैसे ही हम उसको डिफरेंट स्ट्रक्चर में शो करते हैं तो वो अलग हो गया मतलब एक एनब्यूटेन सीधी ओपन चेन बना रहा है और एक ब्रांच चेन बना रहा है तो ये जो कंपाउंड होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होंगे जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो रहेगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा ये कहलाते हैं आईसो समझ में आ गई बात अगर इसको देखें हम पहली वाली चीज को इसको देखें तो ये एक स्ट्रेट चेन है सेकेंड वाले को अगर हम देखेंगे तो ये एक ब्रांच चेन है इतनी चीज समझ में आ गई यहाँ पे इसका नाम जो है वो एन ब्यूटेन है और यहां इसकी बात करें तो आइसोब्यूटेन है या फिर हम इसको क्या बोलते हैं टू मैथल प्रोपेन इतनी चीज समझ में आ गई अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जब भी आइसोमर्स बनेंगे तो जिसमें वन कार्बन टू कार्बन या थ्री कार्बन प्रेजेंट होंगे उनके आइसोमर्स नहीं बनेंगे क्यों क्योंकि यहां पे अब बेसिक चीज ये है कि हमें यहाँ कम से कम कितने कार्बन चाहिए चार कार्बन चाहिए क्लियर तो ये कहां से बनेगा ब्यूटेन से जहां से कार्बन कितने होंगे चार तो वो जो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वो कहां से स्टार्ट होगा या आइसोमर्स कहां से स्टार्ट होंगे जहां पे कार्बन के नंबर कितने हो जाएंगे चार हो जाएंगे क्लियर इतनी बातें कोई दिक्कत कोई परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट चलते हैं तो हमारी आती है सीरीज ठीक है अब यहां पे हम जैसे हम घर पे रहते हैं ठीक है एक ही घर में जब बहुत सारे लोग रहते हैं तो क्या वो डिफ्रेंसिएशन तो होता है सबके बीच में लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी भी होती है होती है तो वो सिमिलैरिटी क्या होगी सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम सबके सरनेम वो होते हैं चाहे पापा का हो मम्मी का हो आपका हो आपके कजन का हो भाई बहन का हो जिसका भी हो क्या रहेंगे सरनेम सेम रहेंगे एक ही घर में हो अलग अलग हो लेकिन सरनेम क्या है सेम है ठीक है दूसरी चीज अगर देखेंगे तो कुछ हैबिट्स जो होती हैं जो आपकी मतलब चली आती हैं है ना तो वो हैबिट आपके अंदर रहेंगी तो कहीं ना कहीं देख के समझ में आता है कि सब एक ही उसके हैं तो ऐसे ही हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी होता है इनके स्ट्रक्चर सेम हो जाएंगे लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी फिर भी ये एक ही सीरीज में होंगे तो इनको हम क्या बोलते हैं होमोलोगस सीरीज ठीक है जैसे कि बात करें अगर स्ट्रक्चर जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें अगर हम तो वो क्या होते हैं एल्केन्स तो अब मैं चाहे तो यहाँ पे अगर मैं मीथेन की बात करूं तो यहां क्या होगा एक कार्बन है वन कार्बन है मतलब सी एच कितने हो जाएंगे फोर ठीक है ये क्या है हमारा मैथ एक कार्बन है तो क्या होगा मैथ और क्या लग जाएगा एन तो ये जो ए एन ई एन है ये हो गया इसका सरनेम ठीक है पहला ग्रुप दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैंने सी टू एच ए का कितना हो जाएगा सी कितने जाएंगे टू एन करो तो टू टू जा फोर कितने हो जाएंगे सिक्स ठीक है हो गया इतना तो यहाँ पे कितने हो गए H सिक्स हो गए ये कितना हो गया दो तो दो कार्बन है मतलब क्या हो गया एथ और कौन सा है सैचुरेटेड है मतलब एल्केन ग्रुप है तो क्या हो जाएगा एथ एन तो क्या हो जाएगा एथेन क्लियर इतनी बात कार्बन के नंबर अगर मैं बढ़ा दू तो यहां मैं कर दू सी थ्री और यहां पे कितना कर दू एच बढ़ा दीजिए यहां पे कितने हो जाएंगे एट होंगे ठीक है उसके बाद अगर मैं सी को फोर कर दू तो एच कितने हो जाएंगे टेन तो ये हमारा क्या हो गया कार्बन है मतलब but. और एन तो हो गया कार्बन है ना नंबर ऑफ कार्बन से हम रूटवर्ड ले रहे हैं वो हम मैं आपको दो बार बता चुकी हूं और वो आपको क्लियर भी होंगे कि जब एक कार्बन होता है तो मैथ दो होंगे तो एथ तीन होंगे तो प्रोप फोर होंगे तो ब्यूट फाइव होंगे तो है ना तो ये आपको पता है बाकी जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है मतलब कि कहलाएंगे. समझ में आई इतनी बात ग्रुप कहला रहे है। अब यहाँ पे एक चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है यहाँ पे कार्बन कितने बढ़ रहे एक बढ़ रहा है मतलब कि एक कार्बन ऐड हो रहा है हाइड्रोजन के कितने नंबर बढ़ रहे यहाँ फोर है तो यहां कितने हो गए टू बढ़ गए ये सिक्स के बाद यहां देखेंगे तो यहाँ एट मतलब कि सी एच टू जो हो रहा है सबके बीच में किसका डिफरेंस आ रहा सी एच टू का डिफरेंस आ रहा है समझ में आई इतनी बात अब ये कैसे पता चलता है अगर आप देखोगे तो यहाँ ऐसे बना दू तो ये कितना हो रहा है कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन है ठीक है अब मैंने यहाँ किया दो कार्बन है और ये मेरे पास ये कितने हाइड्रोजन है छह ठीक है? है अगर मैं सी एच फोर निकालू तो वन टू थ्री और ये फोर मैंने ये वाला ये निकाल दिया ये ठीक है कितना बचा सी और दो एच सी एच टू बच गया ये सी एच टू मतलब आप जब जाओगे मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन तो जो दो रहेंगे जैसे मेथ और एथ के निकाले तो हमारा मेथेन और इथेन ठीक है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा सी एच टू का ये जो है ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है इसके साथ कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है या कोई कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस जो है वो जुड़ा हुआ है ठीक है तो इतनी चीज क्लियर हुई एल्कीन की अगर बात करेंगे तो एल्कीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है 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 ना डबल बॉन्ड मतलब कि जब दो बॉन्ड कंप्लीट हो गए तो यहाँ कितने बॉन्ड बचेंगे दो ही बचेंगे ये ये कंप्लीट हो गया तो कितना हो गया यहाँ पे सी टू एच फोर तो यहाँ पे हमें ये पता है कि मिथेन और मिथाइन ये दो नहीं बनते हैं ये कहां से स्टार्ट होंगे इथेन से क्यों क्योंकि यहाँ पर दो कार्बन एटम्स की रिक्वायरमेंट है क्लियर है इतनी चीजें यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी सेम चीज ही रिपीट कर रही हूं मैं तीन दिन से ठीक है तो यहां तो बिल्कुल क्लियर हो ही जाना चाहिए आपको कि यहाँ पे एल्किस जो रहेगा यहाँ पे अब हम क्या लगाएंगे यहाँ दो कार्बन है मतलब कि क्या हो गया एथ और ये क्या लगा देंगे हम ई एन ई तो क्या हो जाएगा इथिन समझ में आ गई इतनी बात क्लियर है यहां पे भी डिफरेंस कितना किस, कितने का आएगा अगर मैं यहां देखू तो यहां पे मैं क्या बना रही हूं यहां पे मैं बना रही हूं यहां लिख लेते हैं कि मैंने यहाँ दो कार्बन ये हैं ये दो हमारे हो गए H H H और H मतलब कितना बन रहा है सी H कितना है हमारा फोर ठीक है ये हमारा क्या हो गया इथिन ठीक है इतनी चीज क्लियर है क्लियर है आगे देखते हैं अब यहाँ पे अब जब मैं कार्बन के नंबर बढ़ा दू सी थ्री कर दू तो H कितने हो जाएंगे सिक्स ठीक है वही जनरल फॉर्मूला तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका सी एन एच टू एन मतलब हाइड्रोजन कितने हैं जस्ट दुगने हैं उसके ठीक है अब यहां मैंने सी फोर कर दिया तो एच कितने हो जाएंगे एट ठीक है बनाऊ अगर मैं इसको तो सी C, C C एक जगह हम डबल बॉन्ड कर देंगे एक जगह हम सिंगल बॉन्ड करेंगे तो इस कार्बन में हम देखेंगे तो इसके दो बॉन्ड कंप्लीट है ऑलरेडी इसमें सिर्फ क्या चाहिए दो बॉन्ड चाहिए इस कार्बन की बात करेंगे तो वन टू थ्री तो इसको कितना चाहिए सिर्फ एक चाहिए इस कार्बन की बात तो सॉरी so, तो <coughs> कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी वन सी और दो एच का मतलब कि सी एच टू का डिफरेंस जो है वो यहां पे भी आ रहा है जब हम इथेन ये है इथिन और यह है थ्री मतलब प्रोपीन है ना प्रोपीन में अगर देखें तो सी एच टू का ही डिफरेंस जो है वो आ रहा है ठीक है अब हम एल्काइन की बात करेंगे तो यहां पे हमारे कितने कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं तीन बॉन्ड बनते हैं तो मतलब कि सिर्फ एक यहाँ खाली रहेगा एक यहाँ खाली रहेगा तो यहाँ पे हमने H जोड़ दिया मतलब कि कितना हो गया सी टू एच टू तो ये हमारा क्या दो कार्बन है मतलब कि क्या हो जाएगा एथ और आइन तो वाई ये हो गया एथाइन समझ में आ गई इतनी बात एथाइन के बाद अगर मैं देखूं तो, तो, तो यहां पे हम तीन सी लेते हैं एक सी के बीच में हमने ट्रिपल बॉन्ड कर दिया एक सी के बीच में सिंगल बॉन्ड कर दिया ठीक है इतनी चीज क्लियर है तो इस सी को देखेंगे अगर मिडिल वाले को तो वन टू थ्री फोर इसका कंप्लीट है इसको जरूरत नहीं है इस सी की अगर मैं बात करूं तो यहां कितने वन टू थ्री मतलब कि एक खाली है तो ये एक एच हो गया इस वाले सी को मैं तो एक ही है मतलब कि पे तीन हो हो गए गए तो कितने एच और ये क्लियर इतनी चीज है यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे फोर हो गया ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक पुराना ही है तो इतनी प्रॉब्लम इतनी परेशानी तो नहीं आनी चाहिए और ना ही आएगी आपको तो ये क्या हो गई हमारी होमोलोगस सीरीज हो गई तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर सिमिल, सिमिलर होते हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत अलग अलग हो जाती हैं तो कैसे होंगी अगर मैं देखू यहाँ पे तो कैसे हो जाएंगी जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मिथेन जो है जैसे जैसे नंबर नम, ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा हो सकता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाए हो सकता है कोई गैस में हो जाए कोई लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए कुछ भी हो सकता है ना तो यहाँ पे सिर्फ क्या है सेम क्या है यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज वो रहेंगी वो भी सिमिलर ही रहेंगी सॉरी मैंने गलत बोला अलग नहीं रहेंगी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर रहेंगी उसको हम ऐसे ही कर सकते हैं जैसे एक ही घर में बहुत सारे लोग रहते हैं तो आप ये ए एन ई और ई एन ई कर लो सरनेम और जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज आ रही है वो उनकी पूरी मतलब हेरिडिटी हो जाएगी सीधी सीधी सी बात है कि जैसे सपोज मेरे दादाजी को कोई आदत थी तो वो मेरे अंदर भी आ गई तो क्या हुआ हेरिडिटी आ गई ठीक है तो सेम ऐसे यहां पे भी हो जाएगा आगे देखें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो कैरेक्टर क्या है तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो होमोलॉगर सीरीज में कितने का डिफरेंस आ रहा है सी का डिफरेंस आ रहा हमें पता है ठीक है अब 14 मास यूनिट मतलब क्या तो यहां पे अगर मैं मोलिकुलर मास देखू तो मोलिकुलर मास अगर सी एच फोर का मैं देखती हूं तो कितना होता है 16 ठीक है 16 यूनिट पे होता है सी टू एच कितना हो जाएगा वन टू h2 मतलब 6 ठीक है एथेन की बात करेंगे तो इसका कितना होता है 13u जब मैं इस 13 30u में से 16u को माइनस करूंगी तो मेरे पास कितना बचेगा यहां पे बचेगा 14u तो दो जो भी ये होमोलोगस सीरीज जो हैं इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आता है मॉलिक्यूलर मास में वो हमेशा कितना होगा 14u ऐसा नहीं कि मीथेन और ब्यूटेन ले, ले लिया आपने ऊपर नीचे में ठीक है जस्ट उसके बाद में समझ में आएगी इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी यहाँ पे जो भी मेंबर्स होंगे हमारे होमोलोगे सीरीज के उनका फंक्शनल ग्रुप लगभग लगभग सेम होता है है ठीक जितने भी मेंबर होंगे वो क्या दिखाएंगे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उसको दिखा देंगे इतनी चीज क्लियर हो गई यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी ठीक है अब यहाँ पे अगर मैंने अभी एक चीज और बोली कि यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ जो कार्बन uh, एटम बढ़ेंगे है ना जैसे कि अगर मैं यहां बोलू तो यहाँ पे सी एच फोर यहाँ पे हमने सी एच टू एड कर दिया तो सी टू हो गए कितने हो गए कर दिया H कितने हो गए टेन हुआ यहां तक अगर मैं यहाँ पे क्या किया मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लग गया मतलब कितने हो गए सी एच थ्री ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ठीक है यहाँ की अगर मैं बात करूं तो सी टू एच कितने हो जाएंगे यहाँ पे कितने हो जाएंगे टू टू होंगे कितने होंगे टू ही होंगे कि फोर होंगे कितने होंगे यहां पे आप बताइए फोर होंगे ठीक है टू नहीं होंगे यहां पे अब मैं अगर देखू C3 तो h कितने हो जाएंगे कितने हो जाएंगे सिक्स हो जाएंगे C4 की अगर मैं बात करूंगी तो h कितने हो जाएंगे एट हो जाएंगे ठीक है अब आप बोलोगे आपने कैसे निकाला तो ये हमने किसका यूज किया यहां पे मोस्टली सिर्फ आपको जनरल फॉर्मूला याद करना है जो कि ये सी एन एच टू एन प्लस टू जो कि इनके लिए होगा इसके लिए होगा सी एन एच टू एन जो कि इनके लिए होगा और इसके बाद जो आता है सी एन एच टू एन माइनस टू वो क्या के लिए होगा एल्काइंस के लिए जो कि हो जाएगा सी टू एच टू ठीक है यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या बिल्कुल नहीं होगी ठीक है आगे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे थे ठीक है तो अब हमने एल्किल ग्रुप पढ़ा था जहां पे क्या हो रहा था जैसे कि मीथेन है मीथेन में से एक हाइड्रोजन जो था वो निकल रहा था है ना क्योंकि यहाँ अगर मैं देखू तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हो, वो सेचुरेटेड होते हैं सेचुरेटेड होते हैं मतलब की वो इन रिएक्टिव होते उनमें रिएक्शन नहीं होता है ना लेकिन यदि हम उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दे एड कर दें तो क्या होगा वो फंक्शनल ग्रुप जब जुड़ेगा तो उस जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर वो केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी उसकी ठीक है और वो क्या करेगा कंपाउंड को रिएक्टिविटी देगा रिएक्टिव करेगा और थोड़ा, -थोड़ा प्रॉपर्टी जो होंगी वो डिफरेंट भी हो जाएंगी और वो डिसाइड भी करेगा समझ में आ गई इतनी बातें यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी फंक्शन ग्रुप समझ में आ गया तो यहाँ हमने एल्के ग्रुप पढ़े थे यहाँ पे क्या था एल्के ग्रुप में एक हाइड्रोजन जो था वो निकलता जा रहा था तो यहाँ पे सी एच फोर में से हमने एक हाइड्रोजन अगर निकाल दिया तो क्या हो गया हमारा सी एच थ्री और यहाँ पे ये छोड़ दिया हमने तो ये क्या है वैलेंसी शो कर रहा है कि यहां पे कार्बन के पास एक वैलेंसी बची हुई है ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक दो या उससे ज्यादा जो भी हाइड्रोजन एटम्स जो होंगे जो रिप्लेस हो जाएंगे है ना तो वो क्या कहलाएगा हमारा हाइड्रो एटम यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन निकल रहा है एक दो जो जिनको भी रिप्लेस किया जाएगा वो हमारे कहलाएंगे हाइड्रो एटम्स ठीक है और उनकी जगह जो भी ग्रुप जुड़ेगा वो कहलाएगा हमारा फंक्शनल ग्रुप ठीक है तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कार्बन कंपाउंड की रिएक्टिविटी उसकी प्रॉपर्टी जो भी होगा वो कौन डिसाइड करेगा उसका फंक्शनल ग्रुप मतलब कि कि अगर जैसे अल्कोहल ग्रुप के साथ अगर वो जुड़ रहा है तो उसके पास क्या हो जाएगा अल्कोहल के गुण आ जाएंगे जिसका क्या होता है हमारा ओ एच है ना कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम लेते हैं सीओओ एच तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो उसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा तो उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी रूट वर्ड वही है मेथेन एथेन प्रोपेन वो वही है लेकिन सिर्फ क्या चेंज हो रहा है उनका फंक्शनल ग्रुप वो चेंज हो रहा तो उसके अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है उनका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर भी चेंज होगा कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा है ना तो ये क्या कहलाएंगे हमारे फंक्शनल ग्रुप अगर मैं यहां देखू तो यहां देखो कुछ है जैसे कि हेलो ग्रुप है एल्कोहल है एल्डिहाइड है कीटोन है कार्बोक्सिलिक एसिड है और एल्कीन और एल्काइन तो हम ऑलरेडी अभी पढ़ ही चुके हैं ठीक है हेलो ग्रुप की बात करेंगे तो हेलो ग्रुप क्या होते हैं हेलो ग्रुप को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से जहां पे एक्स जो होगा एक्स क्या दिखाएगा एक्स दिखाता है आ, हमारा क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन फ्लोरीन कुछ भी दिखा सकता है ठीक है अब यहां पे क्या करना है यहां पे ये यह हमारा क्या लगता है प्रिफिक्स लगता है है ना जैसे कि अगर मैं यहां बोलू ये यह एक्स है ये यह. तो यहां क्या जुड़ेगा यहां पे आपका क्या जुड़ जाएगा कोई भी आर एल्किल ग्रुप है तो एल्किल ग्रुप क्या होता है तो हो जिसमें एक हाइड्रोजन कम हो मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे CH3 ले लिया और यहाँ X की जगह मैंने Cl जोड़ दिया तो, क्या हो, क्या, तो क्या हो जाएगा क्लोरो और CH3 क्या है मीथेन तो क्या हो जाएगा क्लोरो मिथाइल की मीथेन मिथाइल होगा क्यों क्योंकि कौन सा है एल्किन ग्रुप है क्या नहीं है कौन सा ग्रुप है ये मिथाइल ठीक है एल्किल ग्रुप है ये हमने पढ़े थे एल्किल तो ये एल्गल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा एक कार्बन है मतलब मिथ और आयल। तो मिथाइल और ये क्या हो जाएगा क्लोरो तो ये हो जाएगा क्लोरो मिथाइल ठीक है इसी की जगह का ब्रोमीन कर दिया तो ब्रोमो मिथाइल तो अब ये चीज यहां पे नोट करने वाली है कि जो भी हमारा क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो जो भी ऐड हो रहा है वो कहां जुड़ रहा है पहले जुड़ रहा है ठीक है पहले जुड़ रहा उसके बाद हमारा जो भी है रूटवर्ड वो आ रहा है है ना जो भी एल्किल ग्रुप का नाम है वो आ रहा है जैसे कि अगर मैंने सी टू एच फाइव लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा हमारा होता है लेकिन एक हाइड्रोजन जो था वो कम हो गया, तो C2H5 मतलब क्या हो गया एथिल और ये हमने कर दिया बी आर तो क्या हो गया ब्रोमो एथिल जो भी आप बोलो समझ में आ गई इतनी बात कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी ठीक है एल्कोहल ग्रुप की बात करेंगे तो ओ OH एच इसका जो रहेगा जहां पे भी रहेगा ये ओ OH एच रहेगा तो OH जब होगा तो यहां पे हम देखेंगे आर जो है वो के साथ जुड़ रहा? OH के साथ. तो यहां पे अगर मैं जो है, फिर है. सकती हूं तो सी एच थ्री ओ एच अगर हुआ तो ये क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा मिथाइल एल्हल सी टू एच फाइव हो गया तो इथाइल एल्कोहल या इसके साथ क्या लगाते ऑल तो क्या हो जाएगा ये एथेनॉल ठीक है समझ में आ गई इतनी बात इनको कहां लगाएंगे हम पीछे लगाएंगे ठीक है तीसरे नंबर पे जब हम आते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप की बात करेंगे तो यहां पे क्या जुड़ रहा है कार्बन और कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो मतलब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊ मैं तो कार्बन यहां डबल बॉन्ड के साथ ओ के साथ क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है दो तो कार्बन से कितने बॉन्ड से जुड़ेगा दो यहां पे एच ठीक है इतनी चीज समझ में आ गई अब यहां क्या बचता है ए की वैलेंसी बचती है यहां मैं सी एच थ्री कर दू तो क्या हो जाएगा एल ये सारे क्या सारे क्या कहेंगे तो इसमें क्या जुड़ेगा एल जुड़ जाएगा सी एच थ्री है मतलब मिथाइल तो हो जाएगा Methanol. क्या हो जाएगा मैथे है इतनी चीज क्लियर है आगे देखेंगे कीटोन ग्रुप की अगर मैं बात करूंगी तो कीटोन ग्रुप यहां पे देखिए यहां पे कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ ये दो है ना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के यहां नहीं लगेगा यहां लगेगा और इसके बाद यहां पर एक जो है ये फ्री रहेगा तो मतलब ये जो सीओ है कीटोन वाला ये कहां जुड़ेगा मिडिल में जुड़ेगा मतलब कि यहां पे क्या हो जाएगा सी एच थ्री सीओ और ये हो गया सी एच थ्री ठीक है अब यहां पे अगर मैं देखूं तो कितने कार्बन हो रहे हैं वन टू थ्री तो क्या हो जाएगा थ्री मतलब प्रोप ठीक है कीटोन है तो ओ ए नहीं जुड़ेगा तो प्रोपे नॉन सॉरी प्रोपे नॉन ये हो जाएगा प्रोपे नॉन मतलब o -N -E जो रहेगा, यह जुड़ जाएगा. तो यहां पे ये यह कहां जुड़ रहा है मिडिल में जुड़ रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करूंगी तो सीओ एच मतलब सी जो है वो कितना है डबल बॉन्ड ओ यहां पे क्या हो जाएगा ओ एच सिर्फ ये खाली है यहां पे भी मैं अगर जोड़ दू सी एच थ्री या सी टू एच फाइव तो क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा इसमें लगेगा ओइक -E सफिक्स लगेगा ओइक -E तो हो जाएगा मेथेन तो मेथेनोइक एसिड -E ठीक है तो सारे क्या हो जाएंगे जहां पे भी COOH आपको लास्ट में दिखेगा किसी के में भी तो वो क्या हो जाएगा सी टू एच फाइव सी ओ एच ये जुड़ गया तो जहां पे भी ये ओओ एच ये दिख रहा है आपको तो वो क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ठीक है एल्किन और एल्काइन का हमने देख लिया कि एल्किन में हमारे क्या हो रहा है डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ है ना तो क्या लग रहा है ये लग रहा है मेथिन एथिन प्रोपीन यह चीज हम देख चुके हैं यहाँ की अगर मैं बात करूं तो एल्काइन की यहाँ पे कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा है मतलब कि पे सिर्फ एक एक जगह खाली है तो ये हो गया यहाँ पे कोई आपको दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक हमने क्या कर लिए फंक्शनल ग्रुप पूरे कंप्लीट कर लिए यहाँ पे अगर आपको कोई परेशानी होती है तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं ठीक है और कभी भी नहीं समझ में आता तो आप प्लीज कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं ठीक है तो आज की क्लास जो थी हमारे फंक्शनल ग्रुप की होमोलोग सीरीज आइसोमर्स जो हमने कंप्लीट कर ली है ठीक है नए टॉपिक के साथ नए सेशन में मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय त्रिपाठी कैसे हो आप सब मैं भूमिका आपकी सोशल साइंस टीचर आपका एपीटी स्टडीज में स्वागत करती हूँ बच्चा पार्टी अपन ने फर्स्ट सिक्स चैप्टर है ना थोड़ा सा कर लिया था अपन ने इंट्रोडक्शन अपन ने ले लिया था फिर उसके बाद आगे बढ़ना था ठीक है तो अभी चार दिन अपन की क्लास नहीं हुई है ना न्यू ईयर की जो आ, छुट्टियां पड़ी हुई थी उसकी वजह से वैसे आप लोगों का न्यू ईयर कैसा गया आई होप बहुत अच्छा गया होगा ठीक है तो मेरा आई थिंक अपन को ना जो चार दिन की छुट्टियां थी उसकी वजह से जो अपन ने इंट्रोडक्टरी uh, सेशन किया था उसमें uh, शायद है ना थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है तो अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग uh, इंडस्ट्रीज का ठीक है तो अपन ने सबसे पहले सबसे पहले तो ये है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाना है उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए पड़ेगा जैसे कि शुगर uh, अगर बनानी है तो उसके लिए अपन को चाहिए शुगर कैन ठीक है अगर अपन को टी uh, का जो सीड्स है वो बनाना है उसके लिए चाहिए अपन को टी लीव्स अगर अपन को ऑयल चाहिए तो उसके लिए जो ऑयल के सीड्स होते हैं वो हमें चाहिए होंगे रॉ मटेरियल के लिए और ठीक है रॉ मटेरियल से सीधे अपन हाँ नहीं बना सकते ना इसके लिए बहुत बड़ी प्रोसेस चाहिए होती है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करती हैं ठीक है थीके? जैसे कि अपन किसी शॉप में कुछ सामान खरीदने जाते हैं जैसे कि सपोज जो स्पेक्टिकल्स है ना वो हम लेने के लिए जा रहे हैं तो दुकानदार ऐसा नहीं कह सकता है हमें कि मैडम आप ये ग्लासेस ले जाइए आप ये फाइबर ले जाइए और ये जो आ, नट वगैरह है वो सब ले जाइए और घर पे बना लीजिए ऐसा नहीं बोलता है ना वो हमें अगर हम स्पेक्टिकल दे, देखने जाते हैं तो अलग अलग वेराइटीज के दिखाता है मैम इस तरीके का देखिए उस तरीके का देखिए ये कलर है इसमें वो कलर है सब कुछ अपन को दिखाता है है ना और इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में है ना तो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि बड़े स्केल में कोई भी चीज बनाना छोट मतलब जैसे कुछ कुछ लोग क्या होते हैं कि घर में भी बनाते हैं कुछ कुछ सामान तो उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इंक्लूड नहीं किया जाएगा वो अपना इंडिविजुअल कुछ बिजनेस चला रहे हैं वो अलग है ठीक है छोटा मोटा अब जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बड़े लार्ज स्केल में होती थी होती है मतलब लार्ज क्वांटिटी में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है ठीक है <coughs> तो मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या क्या है एग्रीकल्चरल फील्ड में इसकी इंपॉर्टेंस है है ना क्योंकि जो रॉ मटेरियल होता है वही हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज में जाता है मतलब इंडस्ट्रीज को अगर रॉ मटेरियल चाहिए एग्रीकल्चरल फील्ड से ही आएगा ठीक है उसके अलावा कॉमर्शियल हम एक्सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं अपने फिनिश्ड गुड को है ना तो उससे हमारा क्या है बिजनेस बढ़ता है इसके बाद है आ, हमारे जो कंट्री के डेवलपमेंट में ठीक है तो कंट्री के डेवलपमेंट में कैसे अगर हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा फॉरेन ट्रेड हम करेंगे तो हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा हमारे यहां की आ, जो क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में वर्कर के रूप में कौन काम करता है हम इंसान और ठीक है ज, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उतने ज्यादा वर्कर की जरूरत पड़ेगी इसीलिए यहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है एम्प्लॉयमेंट की रेट बढ़ जाती है ठीक है अभी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे मतलब एक दूसरे के साथ ही टाइप होते हैं हाथ में हाथ डाल के चलते हैं जैसे कि अगर इंडस्ट्री से, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसको चाहिए रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है जैसे कि अगर अपन को फर्नीचर बनाना है जो अपना काउच है वो बनवाना है तो कैसे बनेगा उसके लिए चाहिए वुड तो वुड कहां से आएगी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री एग्रीकल्चर फील्ड से आएगी ठीक है एग्रीकल्चरल सेक्टर से आएगा इस तरीके से और एग्रीकल्चर में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत होती है मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है सेकेंडरी सेक्टर है वो प्रोवाइड करवाता है जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी मशीन चाहिए होती है पाइप्स चाहिए होते हैं पेस्टिसाइड्स चाहिए होते हैं इंसेक्टिसाइड्स चाहिए होते हैं और भी बहुत सारे टूल्स चाहिए होते हैं तो उन सबको उन सबको जो प्रोवाइड करवाता है वो सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करवाती है ठीक है हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन भी है ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिशन है हमारे यहाँ का सामान दूसरे देशों में जाता है दूसरे देश का सामान हमारे यहाँ पे आता है उसमें देखा भी जाता है कि कहाँ का सामान सबसे सस्ता सबसे अच्छा और सबसे अच्छा मतलब सबसे ज्यादा टिकाऊ भी है, है ना ये सब देखा जाता है तो उस लेवल पे एक आ, रैंकिंग की जाती है कि Uh, कौन सा जो कंट्री uh, है वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ की प्रोड्यूसर है इस चीज़ का एक्सपोर्टर है इम्पोर्टर है ये सबका रैंकिंग किया जाता है तो अब रैंकिंग किया जाता है अगर तो उसमें क्या होता है कि जो चीज़ सबसे अच्छी होगी है ना जो दिखता है वही बिकता है इस तरीके से हमारी जो क्वालिटी है क्वांटिटी है हर चीज़ की अच्छी होना जरूरी है ठीक है तो हमारी नेशनल इकोनॉमी में इंडस्ट्री का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है तो टोटल जो इंडस्ट्रीज है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है ट्वेंटी सेवन परसेंट उनमें से माइनिंग क्वेरिंग और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी और गैस इन सबको हटा दिया जाए इंडस्ट्रीज में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो ओनली सेवनटीन परसेंट है ट्वेंटी तो सेवन में सेवेंटीन परसेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का है और बाकी जो बचा है दस uh, परसेंट वो है माइनिंग क्वेरिंग इलेक्ट्रिसिटी और गैस का ठीक है ठीक है इस तरीके से मतलब और ये बहुत कम है ठीक है लेकिन अपन अच्छा अच्छा कर मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग uh, इंडस्ट्रीज के कंट्रीब्यूशन को हमारी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है थीके? अब इंडस्ट्रियल लोकेशन कहां पे इंडस्ट्री लोकेट होनी चाहिए तो हम देखते हैं कि भाई कोई भी अगर इंडस्ट्री है तो उसके लिए एक आइडल लोकेशन की जरूरत होती है जहाँ पे सस्ते में जो कम कॉस्ट में लेबर मिल जाए कम कॉस्ट में रॉ मटेरियल मिल जाए कम कॉस्ट में जो मतलब रिसोर्सेज हैं वो मिल जाए है ना मैन्युफैक्चरिंग कम कॉस्ट में हो जाए ताकि इनको फायदा ज़्यादा हो मार्केट भी इनके पास में हो ताकि उनको ट्रांसपोर्टेशन का कम खर्चा लगे ठीक है सस्ती चीज ज्यादा दामों में बेच सके और प्रॉफिट कमा सके ठीक है तो ये मार्केट लिंकेज है कैसे मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है वो काम करती है ठीक है अपना रॉ मटेरियल और जो भी रिसोर्सेज हैं वो अपन ने लगाए इंडस्ट्री में फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट के सहायता से एक फैक्ट्री बनाई हमने ठीक है फैक्ट्री में अपन ने काम शुरू करवाया वहां पे किसी भी चीज का जैसे डॉल है उसका प्रो, सपोज प्रोडक्ट में डॉल है ठीक है तो डॉल का प्रोडक्शन करवाया उसको अब डॉल को फिर से ट्रांसपोर्ट में रखा ठीक है और उसके बाद मार्केट में लेके गए मार्केट में इसको सेल किया ठीक है सेल करने के बाद उसका आया पैसा बहुत सारा पैसा आया ठीक है तो इस तरीके से जो भी हमारा प्रॉफिट है उसमें से हमारा जो कॉस्ट था बनाने का वो अलग कर लिया ठीक है और जो हमारा प्रॉफिट है वो हमने अलग कर लिया फिर उसको जो कॉस्ट वाला पैसा है फिर से अपन ने लगा दिया अगर आपको और लगाना है तो आप और भी लगा सकते हो इस तरीके से ये काम करती है तो इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन अपन देख लेते हैं ठीक है तो रॉ मटेरियल के बेस पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है ठीक है तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है ठीक है और ऐसी इंडस्ट्री जिसमें जो रॉ मटेरियल है वो मिनरल से आता है जैसे कि आयरन स्टील कंपनी सीमेंट एल्यूमिनियम मशीन टूल्स है ना ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है ठीक है देन है रोल के बेस पे तो बेसिक और की इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें जो अपना मैन्युफैक्चरिंग uh, होती है ना उसके लिए रॉ मटेरियल किसी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आता है जैसे कि हमें स्टील का कुछ बर्तन बनाना है ठीक है तो स्टील का बर्तन बनाने के लिए प्योर स्टील कहां से आएगा जो स्टील आयरन और स्टील और जो कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर इंडस्ट्री है वो हमें ये प्रोवाइड करवाएगी ठीक है देने कंज्यूमर इंडस्ट्रीज तो ऐसी इंडस्ट्री जिसमें सीधे जो प्रोडक्ट है कंज्यूमर को बेचा जाता है ठीक है फिर कैपिटल के बेस पे तो कैपिटल के बेस पे कौन कौन सी है ये है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो जितना हमारे पास पैसा है उतना हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे अगर हमारे पास कम है पैसा ठीक है तो हमारा जो बिजनेस है वो छोटा ही होगा अगर हमारे पास बड़ा पैसा है हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हमारा हम अपना बिजनेस भी बड़ा कर सकते हैं ठीक है ठीके? और ऐसा नहीं है कि अगर अपन ने छोटा बिजनेस स्टार्ट किया छोटी इंडस्ट्री स्टार्ट की तो वो हमेशा छोटी रहेगी वो बदलती रहती है बढ़ती जाती है अगर हमने ज्यादा उसमें और ज्यादा पैसा लगा दिया बीच में तो और बड़ी हो जाएगी फिर उसके बाद और पैसा लगा दिया तो और बड़ी हो जाएगी इस तरीके से ठीक है ओनरशिप के बेस पे पब्लिक सेक्टर जिसकी ओनर गवर्नमेंट होती है ठीक है जैसे कि बी एच ई एल एस ए आई एल मैंने इनके आ, फुल फॉर्म बताए थे जल्दी से कमेंट में आ, इनके फुल फॉर्म बताओ जल्दी देन है प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर जिनकी आ, जो ओनर होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं कोई भी इंसान ठीक है जैसे कि टिस्को बजाज ऑटो लिमिटेड डाबर इंडस्ट्रीज ज्वाइंट सेक्टर ज्वाइंट सेक्टर में ऐसा होता है कि कोई भी आ, स्टेट और इंडिविजुअल दोनों साथ में होते हैं और काम कर, जो भी इंडस्ट्री है वो मनाते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका एग्जाम्पल है ठीक है कॉर्पोरेट सेक्टर इंडस्ट्रीज तो इसमें क्या होता है कि जो ओनर है और जो उसके एम्प्लॉइज हैं वो प्रोड्यूसर और सप्लायर दोनों मिलकर काम करते हैं ठीक है थीके? तो इस तरीके से ये कॉपोरेटिव कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री होती है देन है रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड के वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड के बेस पे तो हैवी इंडस्ट्रीज हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्रीज हैवी मतलब जिसके पास uh, बड़ी कैपिटल लगाई गई है या फिर जिसमें जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो बड़े uh, उसमें स्केल में हो रही है फिर बड़े सामानों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, है ना इसमें उसको इंक्लूड किया जाएगा और लाइट इंडस्ट्रीज में जो छोटे मोटे सामान होते हैं ज्यादा बड़े नहीं होते हैं कम पैसे जिसमें लगते हैं कैपिटल कम लगता है वो लाइट इंडस्ट्रीज ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड मैंने बताया था जो एग्रीकल्चर जिसमें रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से आता है प्राइमरी सेक्टर से आता है जैसे कि कॉटन जूट टेक्सटाइल शुगर एडिबल ऑयल एक्सेट्रा ठीक है अब हम पहले इसमें टोटल दो टॉपिक्स है एक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एक है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री तो अपन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहले पढ़ेंगे जिसमें तीन इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया, गया है जैसे कि कॉटन जूट और सुगर ठीक है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो टे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी इंडियन एको, इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना है फोर्टीन अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के उसमें देखा जाए तो थर्टी फाइव मिलियन पर्सन डायरेक्टली इस सेक्टर में काम करते हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हैं और इसका सेकेंड रैंक है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में एग्रीकल्चर के बाद फर्स्ट एग्रीकल्चर का है देन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का है ठीक है फॉरेन एक्सचेंज में 24 फोर इंटू सिक्स परसेंट इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है अभी हमारी जो कंट्री uh, की जीडीपी है उसमें फोर परसेंट इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है तो इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट सेल्फ रिलायंट कैसे अपन देख लेते हैं क्या होता है कि सेल्फ सेल्फ रिलायंट मतलब खुद से सब कुछ करना अगर आप कोई पर्सन सेल्फ सेल्फ रिलायंट है तो आप मतलब वो अपना खर्चा खुद उठाएगा खुद मतलब कमाएगा खाएगा फिर उसके बाद अपना जो भी काम है किसी पे डिपेंड नहीं होना सीधी सी बात ठीक है तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसमें हम सेल्फ रिलायंट है हमारे जो कंट्री है वो सेल्फ रिलायंट है हमें किसी की जरूरत नहीं है किसी दूसरी कंट्री की जरूरत नहीं है क्योंकि जो रॉ मटेरियल है जो रॉ फाइबर है वो हम हमारे यहाँ प्रोड्यूस uh, हो रहा है ठीक है यान जो है वो हमारे यहाँ बन रहा है फाइबर जो है जो रॉ फाइबर जिससे कपड़े बनाए जाते हैं वो हमारे यहाँ पे मिल रहा है देन हमारे जो गवर्नमेंट हैं वो सब हम खुद ही बना रहे हैं हमें किसी की जरूरत की हमें किसी की जरूरत महसूस ही नहीं हो रही है और हम किसी की हेल्प uh, ले नहीं रहे हैं किसी भी दूसरी कंट्री की <coughs> तो डू यू नो क्या आप जानते हो कि द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854. 1854 में मुंबई में फर्स्ट टेक्सटाइल मिल बनी थी ठीक है अब वो आपको पता होगा आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि uh, हमारे यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए थे uh, जिसमें ब्रिटिश ने पार्टिसिपेट किया था यूरोप ठीक है यूरोपियन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था ठीक है तो उस टाइम पे कपड़ों की जरूरत थी वो हमने ही पूरी की थी हमारी इंडस्ट्रीज से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से और उस टाइम पे पता है अपन ब्रिटिशियन के कॉलोनी कोलोन, थे गुलाम थे कॉटन टेक्सटाइल सबसे पहला टेक्सटाइल में कॉटन जूट और सॉरी कॉटन टेक्सटाइल पहला ठीक है तो एंसियट इंडिया में सबसे पहले क्या होता था कि हम हमारे पास मशीनें नहीं होती थी हम पहले हाथ से ही जो कॉटन है वो बनाते थे कपड़ा हम हाथ से ही बनाते थे उसके लिए वो जो चरखा आता है वो हैंड लूम और जो जो भी मतलब हाथ से किया जाता था ना उन चीजों का यूज किया जाता था वो सारे टूल्स का यूज किया जाता था फिर जब एटीन सेंचुरी आई तब हमने पावर लूम्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले लूम्स का यूज करना शुरू किया था ठीक है देन उसके बाद क्या हुआ कि जब अपन ब्रिटिशन की कॉलोनी बने थे ना तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि आ, हमारे यहां से रॉ मटेरियल ब्रिटिश यूरोप भेजते थे ठीक है यूरोप और यूरोप से अपना जो मैन्युफैक्चरिंग गुड है वो यहाँ पे आके महंगे दामों में बेचते थे और रॉ मटेरियल बहुत सस्ते दामों में लेके जाते थे यहाँ से तो हमारे यहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी धक्का पहुंचा था ठीक है उस टाइम पे एज ऑन थर्टीन नवम्बर टू थाउजेंड इलेवन दो हजार ग्यारह की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे एक हजार नौ सौ छियालीस वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी सिक्स कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल कंट्री में थी उनमें से एट्टी परसेंट जो थी वो थी प्राइवेट सेक्टर की और बाकी जो बची ट्वेंटी परसेंट वो कॉपरेटिव या फिर पब्लिक सेक्टर की थी ठीक है अब पहले के टाइम पे क्या होता था कि हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात में ही टेक्सटाइल मिल्स होती थी कॉटन ग्रोइंग यहीं पे होती थी और कॉटन uh, क्योंकि यहाँ पे uh, वो सारी मतलब आइडल uh, जो कंडीशंस होती है ना कि रॉ मटेरियल मिलना अच्छा लेबर मिलना फिर उसके बाद वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो और वहां पे जो भी मतलब सिचुएशन uh, है ठीक है वो वहां पे अच्छी होती थी इसलिए यहाँ पे ये यह मिल बढ़ती थी तो इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग तो हमारे यहां स्पिनिंग का मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्शन है लेकिन वेविंग में अपन थोड़े पीछे हैं अपन का जो क्वालिटी है की वो ज्यादा अच्छी नहीं है तो अपन उसका यूज ज्यादा नहीं करते हैं अच्छी क्वालिटी के या का वेविंग इज डन बाय हैंडलूम लूम एंड मिल्स ठीक है द स्पून खादी महात्मा गांधी चरखे से खादी बनाते थे उसकी बात की जा रही है ठीक है अब हमारे यहाँ एक्सपोर्ट भी करते हैं हमारे मतलब हम खुद का जब अपन कंज्यूम कर लेते हैं उसके बाद Uh, हम दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं अपने कॉटन को तो जापान जापान के अलावा और भी जो कंट्रीज है जो इंपोर्ट करती हैं हमारा कॉटन जैसे यूएसए यूके रशिया फ्रांस ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज नेपाल सिंगापुर श्रीलंका अफ्रीकन कंट्रीज ये सारी इंपोर्ट करती हैं हमारे यहाँ से कॉटन तो so, हमारे जो uh, इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अच्छा चाइना के बाद 2011 हजार की बात हो रही है है ना तो चाइना के बाद हमारा जो इंडिया है वो आ, स्पिंडल्स कैपेसिटी में सेकेंड नंबर पे है और 43.13 मिलियन स्पिंड, स्पिंडल्स के साथ तो जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें कुछ कुछ परेशानियां भी हो रही है जैसे कि हमारी जो वेविंग है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है ठीक है ये पहली हमारी प्रॉब्लम है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की क्या होता है कि जो लार्ज जो लार्ज और मॉडर्न फैक्ट्रीज होती है ना वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेती हैं ठीक है थीके? इस चीज़ का तो स्मॉल जो यूनिट्स हैं उनको चांस नहीं मिल पाता है तो मार्केट में जितना भी हमारे यहाँ पे कॉटन होता है वो लार्ज और मॉडर्न मॉडर्न फैक्ट्रीज करती हैं ठीक है क्या होता है कि हमारे यहाँ पे इतना सारा कॉटन हो रहा है फिर भी हम इंपोर्ट करते हैं जो हमारी जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के मैन्युफैक्चरर हैं तो वो लोग क्या करते हैं हमारे यहाँ का यूज नहीं करते हैं हम मतलब वो इंपोर्ट करते हैं फैब्रिक को दूसरी कंट्रीज से क्यों करते हैं क्योंकि हम अपना जो प्रोडक्ट है वो दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर देते हैं हमारी कंट्रीज में फुलफिल थोड़ा नहीं हो पाता है इसीलिए ठीक है ऑल द वी हैव सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन मतलब हम ठीक है ये सारी प्रॉब्लम्स है लेकिन धीरे धीरे हम इसको कवर uh, कर रहे हैं हम अपनी मतलब जो कंडीशन है उसको ठीक करने की फिराक में है और हम हमने स्टार्ट भी कर दिया है ठीक है अच्छा ये क्या लिखा है यौन इज सोल्ड एज एट रेट्स 85 पर केजी जो यौन है ना वो 85 फाइव रुपीज पर के जी पर के जी uh, के उसमें दाम में मिलता है ठीक है लेकिन अगर, अगर अपन जो अपन का ट्राउजर होता है या फिर जो पैंट होता है, है ना वो अगर देखने जाएं तो वो एट हंड्रेड रुपीज पर केजी में बिकता है ऐसा क्यों क्योंकि अपन देखो ये एक रॉ मटेरियल है ठीक है रॉ मटेरियल से जो अपन का ट्राउजर है उसको बनाने में बहुत सारी आ, लेवल से गुजरना पड़ता है बहुत सारी मतलब उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें जो जो चीज ऐड की जाती है ना उन सबका अपन जो रेट है इसमें जोड़ लेते हैं इस तरीके से ये एट हंड्रेड होता है ठीक है देन है जूट टेक्सटाइल तो हमारा जो इंडिया है वो बांग्लादेश के बाद जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है जूट टेक्सटाइल का हमारे यहाँ पे 2010 और 11 की बात की जा रही है तो 80 जूट मिल्स हैं हमारे इंडिया में क्या होता था मतलब हमारा जो इंडिया है ना पहले बांग्लादेश और इंडिया एक ही था पार्टीशन नहीं हुआ था तो हमारी जो मिल्स थी वो बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल मेनली जो हमारा जूट का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना जूट के लिए रॉ मटेरियल वेस्ट बंगाल साइड ही मिलता है मतलब जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है ना वहां पे तो अब क्या हुआ कि हमारा बांग्लादेश बांग्लादेश हमसे अलग हो गया ठीक है तो वहां पे जो कॉटन मिलता था पहले हमें मिलता था अब वो बांग्लादेश का खुद का हो गया और हमारी जो बची है वो वेस्ट बंगाल की बची हुई है तो हमारी जो आ, मतलब जूट का जो भी प्रोडक्शन है वहीं पे होता है मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे होती है रॉ मटेरियल भी वहीं पे मिलता है बेसिकली जो हुगली नदी है ना कोलकाता के पास वो इसका सबसे अच्छा बेस्ट प्लेस था अभी जूट टेक्सटाइल को भी जूट इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत सारी प्रॉब्लम चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है वो अपन देख लेते हैं तो पहला है कि स्टेप कंपटीशन दूसरी कंट्रीज से अभी दे अपन का सेकंड नंबर है बांग्लादेश के बाद है ना तो बांग्लादेश हमारे हमारा कॉम्पिटिटर है बांग्लादेश के बाद ब्राज़ील फिलीपींस इजिप्ट थाईलैंड इन सारी कंट्रीज़ के साथ हमारा कॉम्पिटिशन चल रहा है हाउ एवर द इंटरनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द इनक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग क्या होता है मतलब क्या है कि ये जो हमारी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है जिसमें जिसमें ऐसा है कि जो जूट uh, की पैकेजिंग है वो मैंडेटरी ही है तो इसकी वजह से हमारी जो इंटरनल inter, डिमांड uh, है वो बढ़ रही है तो ये एक अच्छी चीज है ठीक है अभी इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मतलब हमारी 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी बनाई गई थी हमारी गवर्नमेंट ने बनाई और ये क्यों बनाई गई थी जो जूट का जो प्रोडक्शन है उसको सुधारने के लिए हमारे जूट का जो क्वालिटी है उसको सुधारने के लिए हमारी जो जूट के लिए जो प्राइजेस है ना वो अच्छा करने के लिए ये जो पॉलिसी है वो बनाई गई थी ठीक है ये देखो जूट इस तरीके से होता है जो रस्सियां बनती है या फिर जो आपने देखे होंगे ना बैग्स होते हैं जिनको बोरे बोरे कहा जाता है जिसमें दाल चावल वगैरह भरे जाते हैं ये जूट के ही होते हैं इस तरीके से जो बोरी होती है ना वो ऐसी होती है तो मेन मार्केट्स द मेन मार्केट्स आर यूएसए कनाडा रसिया यूनाइटेड अरब रिपब्लिक यूके ऑस्ट्रेलिया जूट के लिए ये मेन मार्केट है ठीक है द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली हमारे जो जूट है ना उसके लिए जरूरत है कि जो एनवायरमेंट फ्रेंडली जो हमारा ग्लोबल मतलब एक कंसर्न है हमारे जो वर्ल्ड है ना उसमें एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के लिए ठीक है तो इस तरीके से अपन ने आज आ, थोड़ा सा अपन ने रिवीजन किया पुरानी जो अपन ने लास्ट लास्ट सेशन में जो भी हमने पढ़ा था उसके रिवीजन किया फिर उसके बाद हमने कॉटन इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनके बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट सेशन बाय बाय अरे किशोर मिया क्या बात है खूब बड़े आदमी बन गए हो अरे नहीं नहीं मिया साहब हम बड़े नहीं है हमारे पीछे जो ताकत है ना वो बड़ी है तो हेलो मेरे प्यारे, प्यारे प्यारे बच्चों मैं हूं किशोर तेजवानी आप लोगों का मैथमेटिक्स में इंटर आपका भाई आपका दोस्त आपका गोर जो भी बोलना ना प्यार से दिल से बोल डालो स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने एपीटी में जो है आपके साथ 24 फोर बाय सेवन कहीं भी कभी भी तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने क्या वाले हैं आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर जो कि है ट्रैंगल्स पर ट्रैंगल स्टार्ट होने से पहले यार मेरा कुछ एक सवाल है आप लोग सुलझा दोगे क्या मुझे एक बात बताओ ये दो पेपर कप्स हैं ये दोनों सिमिलर हैं या फिर कॉन्ग्यूरेंट है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कॉन्ग्यूरेंट है या फिर सिमिलर है आप बता पाओगे क्या बताओ जल्दी फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ कॉन्ग्यूरेंट है कि सिमिलर है तो ये दोनों कॉन्ग्यूरेंट है और जो कॉन्ग्यूरेंट है वो सिमिलर होते हैं सर ये कॉन्ग्यूरेंट और सिमिलर क्या होता है तो दो मिनट मैं इसको वापस रख लेता हूं बाद में पीऊंगा बाद में अभी नहीं पीना हाँ तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सिक्स अब जो दो पेपर कप्स थे उसको सर ने कॉन्ग्यूरेंट ही क्यों बोला सिमिलर क्यों नहीं बोला तो बेटा वो कॉन्ग्यूरेंट और सिमिलर दोनों थे पहले तो अपन देखते हैं कि वो कॉन्ग्यूरेंट है क्या तो दोनों सेम थे ठीक है जिनके डायमेंशन एग्जैक्टली सेम है वो होते हैं आपके कॉन्ग्यूरेंट और जो कॉन्ग्यूरेंट है वो आपके सिमिलर होते ही है है ना बट जो सिमिलर होते हैं वो आपके कॉन्गुर जरूरी नहीं है कि होंगे ही अपन धीरे धीरे इस चैप्टर को शुरू करते हैं और अपन चीजों की ओर बढ़ते हैं लेकिन सबसे पहले ट्रेंगल्स जो अपन ने शुरू किया है तो पहले अपन को ट्रेंगल्स के बारे में तो मालूम हो ना होता क्या है तो देखो मैं आपको इधर एक ट्रेंगल बना के दिखाता हूं मैं आपको इधर एक ट्रेंगल बना के दिखाता हूं यह रहा आपका एक फ्रेश फ्रेश ट्रेंगल्स अब ये ट्रेंगल में मैं इसको बोल देता हूं ए बी सी ठीक है ये तीन साइड का होता है ट्रेंगल क्या होता है बेटा तीन साइड का होता है और इसमें बेटा कितने एंगल होते हैं तीन एंगल होते हैं ठीक है इंटीरियर एंगल कितने होते हैं तीन होते हैं जिनका सम कितना होता है मतलब अगर मैं बात करूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तो ये कितना होगा बेटा 180 डिग्री के बराबर होगा ठीक है और इसमें साइड कितनी होती है तीन साइड होती है जो कि यहां है ए बी बी सी और ए सी या सी है ठीक है ट्रेंगल के बारे में इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं बेटा अपन ये ट्रेंगल के बारे में और अपन पढ़ लेते हैं कि वॉट इज ट्रेंगल तो यहां से पढ़ो बेटा यहां से अ ट्रेंगल कैन बी डिफाइंड एज अ पॉलीगन ये एक तरीके का पॉलीगन है विच हैज थ्री एंगल जो मैंने आपको ऊपर बता चुका हूं क्या है थ्री एंगल्स और तीन साइड होती है इसकी द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रैंगल सम अप टू 180 डिग्री वो भी मैंने आपको बता दिया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू वन डिग्री है ना एंड द एक्सटीरियर एंगल सम अप टू 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल का सम कितना जा सकता है बेटा 360 डिग्री जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल एंड इट्स लेंथ मतलब कि उनके एंगल और उनकी लेंथ पर ंगल कितने तरीके के होते हैं बहुत सारे तरीके के नहीं होते भाई छह तरीके के होते मेजरली अपन उनको डिस्कस कर लेते हैं वन वन बाय तो सबसे पहला है आपका क्या बेटा होता है इक्वी का मतलब क्या होता है इक्वल लेटरल साइड ठीक है इक्वी का मतलब इक्वल लेटरल का मतलब साइड्स अब अगर मान लो बेटा ट्रेंगल ए बी सी है तो यहां पर बेटा ए बी BC और AC तीनों इक्वल है AB बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी या सी है इक्वल है और एक बात और होती है बेटा अगर इसकी तीनों साइड इक्वल है और इसके तीनों एंगल भी इक्वल है तो ही आपका इक्विलेटरल इटल होता है मतलब मैंने क्या बोला यहां पर तीनों एंगल भी क्या होंगे बेटा इक्वल होंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी ज इक्वल्स टू एंगल सी विच इज इक्वल्स टू सिक्सटी डिग्री हो गया आपका इक्वलिटर ट्रैंगल तो यहां पर पढ़ लो बेटा क्या लिखा हुआ है ऑल दी थ्री साइड ऑफ अ ट्रैगल एंड ईच एंगल कितने का होता है सिक्सटी 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 तो बेटा सिक्सटी 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 कितना हो गया वन एट्टी और उसने बोला था कि ट्रैंगल का जो इंटीरियर एंगल का समय वो कितना होता है वन एट्टी डिग्री आ गया समझ में चलो पहला तो हो गया इक्वलिटरल ट्रेंगल नेक्स्ट करें ठीक है नेक्स्ट क्या है आइसोसलस क्या होता है बेटा आपका दो इक्वल होती हैं कोई भी दो साइड इक्वल होंगी जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो ए बी किसके इक्वल है ए सी के है ना तो ए बी इज इक्वल टू ए सी यहां पर दो साइड्स इक्वल है यहां से पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ इक्वल लेंथ कोई भी दो साइड क्या होंगी बेटा इक्वल लेंथ की होंगी समझ में आ गया आइसोसल ट्रेंगल चलो नेक्स्ट करते हैं है? ट्रेंगल, है? है? ट्रेंगल देखो स्केली ट्रेंगल में तीनों साइड तीनों साइड क्या होती है बेटा आपके डिफरेंट तीनों साइड डिफरेंट होती है डिफरेंटर मेजर, मेजरमेंट की तो यहां से पढ़ो क्या लिखा हुआ है ऑल दी थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ डिफरेंट मेजर समझ में आ गया मतलब कि ए ए बी 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 जो है ना a, B, वो सी के बराबर नहीं है और वो ए सी के बराबर भी नहीं है तीनों यहां पर क्या है डिफरेंट डिफरेंट जैसे अगर ये वन है तो ये टू है और ये थ्री है क्या वन टू थ्री इक्वल है नहीं ना डिफरेंट है ना तो ये हो गया बेटा आपका क्या स्केली आगे बढ़ते हैं सर फटाक से ये सब तो वैसे भी हमने पढ़ा हुआ है पढ़ा हुआ है लेकिन थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं इसको रिव, रिवाइज कर लेते हैं एक्यूट एंगल ट्रेंगल क्या होता है बेटा एक्यूट एंगल क्या होता है नाम से ही समझ में आ रहा है कि हर एंगल यहां पर कितना होगा नाइन्टी से कम होगा है ना एक्यूट होगा तो ऑल दी एंगल आर स्मॉलर देन 90 डिग्री सारे ही एंगल यहां पर क्या होंगे एक्यूट एंगल होंगे ठीक है एंगल ए भी एक्यूट होगा एक्यूट मतलब 90 से कम अब वो चाहे 60 भी हो सकता है अपन बोल देते हैं यहां पर कि एक 50 का है ठीक है दूसरा भी क्या है फिफ्टी का है और थर्ड वाला कितने का है एट्टी का है वैसे यहां पर इस फिगर के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है लेकिन ये एक्यूट है या नहीं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ जो मैंने एंगल्स यहां पर लिए हैं वो एक्यूट है या नहीं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्योंकि भाई 50 को अगर मैं देखूं एंगल एक तो वो 90 से छोटा है वो एक्यूट है एंगल बी भी नाइन्टी से छोटा है वो भी एक्यूट है और एंगल सी भी एट्टी डिग्री है वो भी नाइन्टी से छोटा है समझ में आया पक्का पक्का ठीक है एक्यूट भी क्लियर है हाँ, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं अरे भाई ये तो अपना फेवरेट है नाम क्या है राइट एंगल ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है देखो राइट एंगल ट्रेंगल में ना कोई भी एक एंगल कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा यहां पर क्या लिखा हुआ है एनी वन ऑफ द थ्री एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री जैसे यहां पर है एंगल पी एंगल भी यहां पर कितने का है बेटा 90 डिग्री का समझ में आ गया पक्का हां अब सर आप हमको एक बात और बता दो कि ये क्या होती है ये होता है बेटा आपका हाइपोटनस है ना ये होता है आपका परपेंडिकुलर और ये होता है आपका बेस अगर ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है तो 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटनस है ना ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस क्लियर है अब सर एक बार थ्योरम भी एक्सप्लेन कर ही दीजिए ना तो बेटा हाइपोटनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ठीक है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या सिर्फ पायथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ क्या सिर्फ पायथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है फटाफट ठीक है जब तक अपन आगे बढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम पाइथोग का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ठीक है चलो बेटा आगे क्या है हाँ ऑप्टूज एंगल ट्रेंगल ऑप्ट्यूज एंगल ट्रेंगल में क्या होता है इसमें एक एंगल जैसे राइट एंगल में क्या था एक एंगल नाइन्टी डिग्री था यहां पर एक एंगल नाइंटी डिग्री से बड़ा होगा यहां पर एक एंगल नाइंटी डिग्री से बड़ा होगा देखो एंगल भी नाइन्टी से बड़ा है तो ये ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ठीक है बेटा समझ में आ गया पक्का ये लगभग लगभग थोड़ा आपको स्केलिंग जैसा नहीं दिख रहा ठीक है चलो भाई अब अपन बात कर लेते हैं कॉन्ग्यूरेंट ऑब्जेक्ट्स और सिमिलर ऑब्जेक्ट्स की अब ये कॉन्ग्यूरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं देखो इफ टू ऑब्जेक्ट्स यहां से पढ़ो यहां से पढ़ो इफ टू ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज दे आर सेट टू बी कॉन्ग्यूरेंट है ना जो दो ऑब्जेक्ट्स का जो भी दो ऑब्जेक्ट्स का सेम शेप होता है और उनका सेम साइज होता है उनको अपन क्या बोलते हैं कॉन्ग्यूरेंट बेटा सेम शेप होना चाहिए सेम साइज होना चाहिए जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं अगर मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो देखो तो देखो बेटा यहां पर अगर मैं ये एक स्क्वायर लेता हूं ठीक है और ये मैं दूसरा स्क्वायर लेता हूं ये है मेरा ए बी सी डी स्क्वायर और यह है मेरा पी क्यू आर एस ठीक है यह मेरा कितना है पी क्यू आर एस अगर मैं बोलूं यह मेरा टू सेंटीमीटर है तो सारी साइड्स ऑब्वियस है कि टू सेंटीमीटर की होंगी क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और अगर मैं बोलूं बेटा ये स्क्वायर की भी टू सेंटीमीटर ही इसकी साइड है तो क्या ये दोनों स्क्वायर मेरे कॉन्ग्यूरेंट हैं क्या ये दोनों स्क्वायर मेरे कॉन्ग्यूरेंट ऑब्जेक्ट हैं बिल्कुल है ये दोनों कैसे हैं कॉन्ग्यूरेंट ठीक है कॉन्ग्यूरेंट के लिए बेटा कंडीशन क्या होती है सेम सेम शेप सेम साइज यहां पर टू सेंटीमीटर है वहां पर भी टू सेंटीमीटर है ए बी है ना और यहां पर पी क्यू और सारी साइड ही टू सेंटीमीटर है तो बराबर है सेम शेप है स्क्वायर के और सेम साइड है ठीक है अब मुझे आप एक बात बताओ क्या ये दो ऑब्जेक्ट जो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या ये दो ऑब्जेक्ट ये ट्राइंगल है और ये एक रेक्टेंगल है ठीक है ये टू 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 टू, टू सेंटीमीटर और अगर मैं बोलूं बेटा ये थ्री का है और ये टू का है मतलब इसकी लेंथ लेंथ थ्री है और ब्रेथ इसकी टू है क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मेरे कॉन्गोरेंट हैं नहीं है क्यों क्योंकि सर इनका सेम शेप भी नहीं है एक तो स्क्वायर है और दूसरा रेक्टेंगल है और ना तो इनकी सेम साइड है क्योंकि सेम साइड होने के लिए अगर स्क्वायर में बात करें अगर अपन स्क्वायर में बात करें तो सारी साइड टू होनी चाहिए लेकिन यहां पर तो थ्री भी है ठीक है ना तो सेम सेम शेप है है ना तो सेम साइड है। तो साइड ये बेटा मेरे कॉन्ग्युर नहीं हुए ये मेरे कॉन्ग्य हुए चीज आई समझ में पक्का ना ठीक है अब अगर मैं आगे बात करूं इसमें अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो जैसा मेरा ट्रेंगल है ए बी सी और यह है मेरा पी क्यू आर अगर इसकी जो लेंथ है साइड की जो लेंथ है अगर मैं इसको मान लेता हूं थ्री ठीक है इसको मैं मान लेता हूं थ्री और इसको भी थ्री तो बेटा अब पी क्यू आर से अगर, अगर अपन कंपेयर करें तो क्या ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये कॉन्ग्यूरेंट है बिल्कुल है क्यों क्योंकि देखो इनके सेम शेप है ये भी ट्राइंगल है ये भी ट्राइंगल है और सेम साइज है मतलब ये भी थ्री सेंटीमीटर है वो भी थ्री सेंटीमीटर है साइड में तो अपन बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट है चीज आई समझ में पक्का अब अपन देख लेते हैं बेटा सिमिलर क्या होते हैं सिमिलर क्या होते हैं तो यहां से पढ़ो यहां से पढ़ो टू ऑब्जेक्ट हैविंग द सेम शेप ठीक है क्या होना चाहिए बेटा सेम शेप होना चाहिए साइज का जरूरी नहीं होना नॉट नेसेसरी द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर ऑब्जेक्ट मतलब वो दिखने में सिमिलर होने चाहिए दिखने में सिमिलर होने चाहिए चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा ये फर्क नहीं पड़ता चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा ये फर्क नहीं पड़ता सिर्फ वो आपका सेम शेप का होना चाहिए ठीक है एग्जाम्पल देख लो बेटा यहां पर देखो आपको पक्का है कि ये छोटा दिख रहा है स्मॉल और यह थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना पक्का ना ठीक है अगर मैं इसकी नेमिंग करूं तो ए बी सी डी और ये आपका पी क्यू आर एस ठीक है दोनों ही कौन से शेप के हैं स्क्वायर हैं दोनों पक्का ना दोनों स्क्वायर हैं लेकिन अगर मैं आप बोलूं इसकी साइड को कि मैं बोल देता हूं ये थ्री सेंटीमीटर है ये भी थ्री सेंटीमीटर है ये भी थ्री सेंटीमीटर है और ये भी थ्री सेंटीमीटर है और मैं अगर बोल दूं ये फोर ये फोर ये फोर ये फोर ठीक है अब मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट बताओ क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट मेरे सिमिलर ऑब्जेक्ट है फटाफट सिमिलर है हां सर सिमिलर है बेटा क्यों क्योंकि सर दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेम शेप है ठीक है साइज का से, सेम होना जरूरी नहीं है बस स्क्वायर होना जरूरी है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब बेटा आप लोग घर में एक काम करो एक दो रुपए का सिक्का उठाओ और एक पांच रुपए का सिक्का उठाओ दोनों को देखो क्या वो सिमिलर है या कॉन्ग्यूरेंट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना बाद में क्या बोला मैंने वो जो दो रुपए का सिक्का है और वो जो पांच रुपए का सिक्का है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना क्या वो सिमिलर है या कॉन्ग्यूरेंट है बताओ सिमिलर है सिमिलर तो है सर लेकिन जो दो रुपए का सिक्का है वो थोड़ा छोटा होगा एज कंपेयर टू फाइव रुपीज कॉइन से है ना जो थिकनेस की अगर मैं बात करूं थिकनेस की अगर टू रुपीज कॉइन और फाइव रूपीज कॉइन को मैं कंपेयर कर रहा हूं तो टू रुपीज का कॉइन ना थोड़ा सा छोटा होगा एज कंपेयर टू फाइव रुपीज का कॉइन ठीक है तो सेम शेप तो दोनों के सेम है इसका भी राउंड है इसका भी राउंड है सर्कल है ना तो दोनों ही सिमिलर तो हुए पर बेटा दोनों कॉन्ग्यूरेंट नहीं हुए क्यों क्योंकि साइज और शेप दोनों ही सेम होना चाहिए शेप भले सेम है लेकिन साइज भी तो एक का बड़ा एक का छोटा है ना तो कॉन्ग्यूरेंट नहीं हुए बात आई समझ में पक्का आगे बढ़ू चलो आगे बढ़ लेते हैं सर नोट क्या है? क्या है, क्या है, क्या है मतलब, पॉइंट आपने दो फिगर को कॉन्गुरेंट प्रूफ कर दिया ना तो वो पक्की बात है कि सिमिलर होंगे ही ठीक है अगर आपने दो फिगर को कॉन्गुरेंट प्रूफ कर दिया ना तो पक्की बात है वो आपके सिमिलर होंगे ही पर अगर वो सिमिलर है पर अगर वो दो फिगर सिमिलर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्ग्यूरेंट है इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्ग्यूरेंट है अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो देखो ये मेरा एक स्क्वायर है ए बी सी डी ठीक अब इसकी साइड मैं बोल देता हूं फोर सेंटीमीटर तो सारी की साइड फोर सेंटीमीटर होगी अब अगर मैं एक बड़ा सा स्क्वायर और ले लेता हूं ए बी सी डी ए बी सी डी ठीक है अगर मैं इसकी साइड बोल देता हूं एट सेंटीमीटर है तो सबकी साइड एट सेंटीमीटर होगी अब मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताओ कि ए बी सी डी और इसका मैंने यार पी क्यू आर एस लेना था चलो 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 पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस इतना तो खैर समझ ही लोगे ना यार पी क्यू आर एस अब मुझे बेटा कमेंट सेक्शन में यह बताओ कि ये जो दोनों फिगर है ये कॉन्ग्यूरेंट है या सिमिलर है सिमिलर तो है क्यों क्योंकि दोनों ही स्क्वायर है दोनों ही स्क्वायर है तो ये सिमिलर है अच्छा अब अगर बेटा ये सिमिलर है अब अगर ये सिमिलर है तो क्या मैं इसको कॉन्गोरेंट बोल सकता हूं नहीं क्योंकि इनकी जो शेप है वो तो सेम है पर इनकी साइज सेम नहीं है है ना अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये सिमिलर है या कॉन्ग्यूरेंट है तो ये कॉन्ग्यूरेंट है क्यों क्योंकि सेम शेप सेम साइज ओवरलैप कर रहा है ना ओवरलैप कर रहा है हर जगह से ठीक है हाथ क्यों जोड़ रहे हो सर तो ओवरलैप कर रहा है ये कॉन्ग्यूरेंट हो गया अब ये कॉन्ग्यूरेंट है तो बेटा देखो ये सिमिलर भी तो है सिमिलर है ना इसी की तरह तो दिख रहा है अब क्या उधर आके <laughs> समझ में आ गया ना तो कॉन्ग्यूरेंट है ना पक्का टेस्ट करोगे क्या नहीं ना ठीक है तो बेटा जितने भी कॉन्ग्युरेंट फिगर होते हैं वो सिमिलर होते हैं वो सिमिलर होते हैं पर जो सिमिलर फिगर होते हैं ना वो जरूरी नहीं है कि हो चीज समझ में आ गई बात समझ में आ गई पक्का ठीक है सर आगे बढ़ो तो देखो आगे क्या है हाँ बेटा अब अगर, अगर अपन सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन की बात करेंगे ना तो अपने पास दो पॉलीगन होते हैं ठीक है अब अगर अपन को इनको सिमिलर प्रूफ करना है तो बात कर लेते हैं बेटा सिमिलर सिमिलर का साइन आपको मालूम है कैसे बनता है सिमिलर का साइन आपको मालूम है कैसे बनता है जैसे कि ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है तो अपन ऐसे इसको बता देते हैं कि ये सिमिलर है ठीक है ये होता है सिमिलर का साइन सिमिलर और कॉन्ग्योरेंट का साइन मतलब कि उनकी साइड इक्वल है और शेप भी ठीक है होता है कॉन्गोरेंट का साइन चीज क्लियर है सिमिलर का समझ में आ गया एस जैसा ही बनता है और कॉन्गोरेंट का इज इक्वल्स टू के पर ठीक है चलो अब अगर मैं बात करूं सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन की तो मैं यहां पर दो पॉलीगन ले लेता हूं ठीक है जिसकी साइड है बेटा ए बी सी डी और आपका ई e, और दूसरे की साइड है पी क्यू आर एस और टी ठीक दो हैं और इनका जो एंगल है अगर सिमिलर है ये दो, दोनों दोनों पॉलीगन तो इनके एंगल्स जो है ना वो इक्वल होने चाहिए इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना वो इक्वल होने चाहिए और इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए क्या बोला मैंने मैंने बोला इनकी जो करस्पॉन्डिंग इनके जो करस्पोंडिंग एंगल्स हैं, वो इक्वल होने चाहिए और इनकी जो करस्पोंडिंग करस्पोंडिंग साइड्स हैं, और इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए ठीक है अब ये इक्वल एंगल और प्रोपोर्शनल साइड्स, ये क्या सिस्टम है तो समझता है देखो बेटा यहां पर ना एंगल ए जो है एंगल ए जो है वो एंगल टी के बराबर है ठीक है अगर होगा तो एंगल ए एंगल टी के बराबर होगा एंगल बी एंगल पी के बराबर होगा और एंगल सी वन टू थ्री एंगल क्यू के बराबर होगा वन टू थ्री और एंगल डी वन टू थ्री फोर एंगल आर के बराबर होगा वन टू थ्री फोर ठीक है और एंगल ई वन टू थ्री फोर फाइव एंगल एस के बराबर होगा वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो बेटा ये अपन बोल सकते हैं कि सिमिलर है बेटा मैंने क्या बोला एंगल ए एंगल चलो एंगल बी से शुरू करते हैं एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी के बराबर होना चाहिए ठीक है एंगल सी एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए एंगल डी एंगल आर के बराबर होना चाहिए ऊपर यही देख रहे हो ना भाई एंगल बी जो है वो एंगल पी के बराबर है ये वाला बी ये वाले पी के बराबर है ये वाला सी ये वाले क्यू के बराबर है ठीक है तो एंगल बी जो है वो एंगल पी एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल डी एंगल आर के इक्वल है और अगर मैं बात करूं एंगल ई के तो वो एंगल एस के इक्वल है ठीक है और अगर मैं बात करूं यहां पर वापस एंगल ए की तो वो एंगल किसके बराबर है टी के बराबर तो यहां पर एंगल्स क्या हो गए बेटा ये सारे इक्वल अपन क्या कर रहे हैं वो जो दो पॉलीगन है ना अपन उनको इक्वल प्रूफ कर रहे हैं इक्वल नहीं सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं ठीक है वो जो दो पॉलिगन है ना अपन उनको सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए अपन को उनके सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए प्रोपोर्शनल का मतलब आप देखो अगर मैं बात करूं यहां पे तो जो ए बी है वो मेरा पी टी के प्रपोर्शनल है, है ना ए बी अपॉन पी टी देखो मैं लिखता हूं यहां पर यहाँ पर मैं प्रपोर्शनल अपॉन पी टी वो इक्वल है किसके बेटा एबी अपॉन पी टी किसके इक्वल है बी सी अपॉन पी क्यू के और वो प्रपोर्शनल किसके है सी डी अपॉन क्यू आर के ठीक है चलो लिखते जाते हैं साथ साथ बीसी अपॉन पी क्यू बीसी अपॉन पी क्यू वो किसके इक्वल है सी डी अपॉन क्यू आर के सी डी अपॉन क्यू आर के और वो किसके इक्वल है वो किसके इक्वल है ईडी ये वाला ईडी किसके आर एस के ED upon RS is इज इक्वल्स क्या बेटा आपका आखिरी जो बचा है ये आपकी साइड एन e TS ठीक है ए अपॉन टी एस एन टी एस तो या पांचों क्या है बेटा आपका क्या है प्रोपोर्शनल है ठीक है मैंने क्या बोला सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए एक तो सारे एंगल्स इक्वल और सारी साइड्स प्रोपोर्शनल चीज क्लियर है तब अपन बोल देंगे कि ये जो ए बी सी डी ई पॉलीगन है वो पी क्यू आर एस टी के सिमिलर है ए बी सी डी ई जो पॉलीगन है वो आपका पी क्यू आर एस टी के सिमिलर है चीज आई समझ में क्या क्या होना चाहिए अपन को एंगल्स को इक्वल दिखाना है और साइड्स को प्रोपोर्शनल ठीक है क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं यहां से पढ़ो टू पॉलिगन विच है सेम नंबर ऑफ साइट आर सिमिलर ठीक है दो पॉलीगन जिनकी क्या है सेम नंबर ऑफ साइड्स है वो सिमिलर होंगे कब 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 कब, कब? सिर्फ और सिर्फ तब जब उनकी करस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे है ना जो अपन ऊपर करके आए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है और जो उनकी करस्पोंडिंग साइट्स है वो क्या होनी चाहिए सेम प्रपोर्शन में ठीक है यहां पर बेटा नोट पॉइंट क्या लिखा हुआ है अपना नोट पॉइंट क्या लिखा हुआ है इफ

आपको साइड्स भी प्रपोर्शन बतानी है ये जरूरी है और सिर्फ अगर आपने साइड्स प्रपोर्शन बता दी तो ऐसा मत समझना कि है है या कोई भी पॉलीगन से नहीं उनको आपको एंगल्स भी इक्वल बताने पड़ेंगे चीज आई समझ में पक्का कोई भी अगर दो पॉलीगन को सिमिलर प्रूफ करने का है मेरा भाई तो अपन को क्या करना पड़ेगा अपन को उनका एंगल्स इक्वल दिखाना पड़ेगा और उनकी जो साइड्स हैं वो प्रपोर्शन में दिखानी पड़ेगी बात खत्म ठीक है चलो ये नोट पॉइंट भी लिख लिया आ गया समझ में पक्का चलो बेटा अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं क्वेश्चन क्या है अब ट्रू और फॉल्स है ट्रू और फॉल्स है क्या सारे स्क्वास सिमिलर फिगर है क्या सारे स्क्वायर सिमिलर फिगर है सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए यहां बता देता हूं सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए आपको एंगल्स तो इक्वल चाहिए ठीक है पहली कंडीशन दूसरी आपको जो उनकी साइड्स है वो आपकी प्रोपोर्शन होनी चाहिए ठीक है एंगल्स इक्वल और साइड्स प्रोपोर्शनल अब अगर मैं बात करूं सारे स्क्वायर की तो अगर अपन ले लेते हैं बेटा सारे स्क्वायर में दो स्क्वायर ले लो कोई भी कोई भी दो स्क्वायर ले लो कोई भी दो स्क्वायर ले लो अगर मैंने ये एक स्क्वायर लिया ए बी सी डी नाम का है ना और अगर एक मैंने छोटा सा स्क्वायर लिया है पी क्यू आर एस नाम का पी क्यू आर एस नाम का अगर मैं बोलूं कि जो ए बी की साइड है ए बी की साइड वो फोर सेंटीमीटर है और इसकी जो साइड है वो टू सेंटीमीटर है ठीक है तो अब मुझे बताओ क्या ये दो क्या ये दोनों स्क्वायर अपन नाम दे देते हैं इसको एक्स और इसको y क्या ये दो जो दो स्क्वायर्स हैं क्या ये मेरे सिमिलर फिगर्स हैं बिल्कुल नहीं सर क्यों क्यों तो देखो अगर मैं बात करूं एंगल ए की तो वो एंगल पी के बराबर है हाँ सर 90 डिग्री तो एंगल ए जो है वो है वो एंगल पी के बराबर है एंगल बी की अगर मैं बात करूं तो वो एंगल क्यू के बराबर है एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ठीक है सर एंगल सी जो है मेरा वो एंगल आर के बराबर है ठीक है सर एंगल सी आपका एंगल आर के बराबर है और ऑब्वियसली सर आपका एंगल डी एंगल एस के बराबर होगा क्यों सर क्योंकि एक स्क्वायर में हर एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का तो भाई अगर ये स्क्वायर में 90 डिग्री का हर एक एंगल है तो इसमें भी तो 90 डिग्री का हर एक एंगल होगा मतलब एंगल्स इनके क्या है इक्वल अब सर आपका नेक्स्ट टास्क जो है वो है साइड्स को प्रोपोर्शनल बताना तो साइड्स को प्रोपोर्शनल बता देते हैं ये देखो फर्स्ट तो अपन ने कर दिया कि एंगल्स इक्वल है साइड्स को प्रपोर्शन बताते हैं चलो 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 देखो अगर ये फोर सेंटीमीटर है ये भी फोर होगा ये भी फोर होगा और ये भी फोर होगा मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज टू डी ए क्योंकि एक स्क्वायर में सारी ही साइड्स क्या होती हैं इक्वल ठीक है सर अब अगर मैं बात करूं इधर पी क्यू तो बेटा वो पी क्यू टू है तो क्यू आर भी टू होगा आर एस भी टू होगा और पी एस भी कितना होगा टू ही होगा ठीक है तो अब अगर प्रपोर्शन इनको दिखाना है तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल आना चाहिए BC अपॉन क्यू आर के मतलब कि ये वाली जो साइड है ना AB AB ए अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू दिस बी सी अपॉन क्यू आर या आर क्यू वो भी इक्वल आना चाहिए बेटा आपके सीआर सी डी सी डी अपॉन आर एस के सी डी अपॉन आर एस के और वो भी इक्वल आना चाहिए आपका ए डी अपॉन पी एस के एडी अपॉन पीएस के तो अपन को ये इक्वल दिखाने के लिए देख लेते हैं भाई ए बी अपॉन पी क्यू मतलब फोर अपॉन टू कितना हो गया टू ठीक है और ऐसे ही ये सारे कितने आ जाएंगे टू आ जाएंगे हाँ सर साइड्स भी प्रोपोर्शनल है और ये आपके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल है तो अपन बोल सकते हैं ना बेटा कि जो एबीसीडी एक स्क्वायर है वो इस वाले के क्या है सिमिलर है ठीक है इस वाले के क्या है सिमिलर है एक मिनट देखो इस वाले के सिमिलर है एबीसीडी सिमिलर टू स्क्वायर पी क्यू आर एस ठीक है तो आपको यह तो मालूम चल गया अब सुनो मेरी बात आप लोग ना घर में कोई सा भी दो स्क्वायर लो साइड डिफरेंट तो कोई दिक्कत नहीं साइड डिफरेंट तो कोई दिक्कत नहीं आप बस लो मेजरमेंट अलग हो अब आप उनको देखना कि वो सिमिलर फिगर्स हैं ठीक है तो क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा आपको दो चीज उनके एंगल इक्वल होने चाहिए और उनकी साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए तो हां सर ये आपका ट्रू है कि सारे ही स्क्वायर सिमिलर फिगर्स हैं ठीक है ठीके? और ऐसे ही बेटा सारे ही सर्कल सिमिलर है हां सर बहुत आसान चीज है ये तो ये तो सर कॉमन सेंस है ये भी एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है है ना ये छोटा सर्कल है ये बड़ा सर्कल है पर सर दोनों ही तो सेम दिख रहे हैं सर्कल सर आपका ना क्या सर्कल बनता नहीं है कभी जिंदगी में लेकिन मान लेते हैं मान लेते हैं कि ये दोनों सर्कल हैं तो बेटा सारे ही सर्कल क्या होंगे सर्कुलर शेप के ही होंगे राउंड शेप के ही होंगे तो बेटा सिमिलर तो हुए ना शेप तो सेम हुआ ना साइज का लेना देना नहीं है बस शेप आपका सेम होना चाहिए तो सारे ही सर्कल क्या होंगे सिमिलर फिगर्स होंगे बात खत्म ठीक है चलो तो बेटा ये भी क्या हुआ मेरा उस हिसाब का ट्रू अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो क्या बोल रहा है ऑल इक्विलेटरल ट्रेंगल आर सिमिलर फिगर सारे ही इक्विलेटरल ट्रेंगल मेरे क्या है सिमिलर फिगर्स हैं तो चलो इसको भी प्रूफ करके देखते हैं अपन चलो 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 क्या बोल रहा है सारे ही इक्विलेटरल ट्रेंगल एक तो ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है ठीक जिसका नाम है ए बी सी और एक मेरा ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है ये थोड़ा बड़ा है इसका नाम है पी क्यू आर समोसा नहीं है ये इक्विलेटरल ट्रेंगल है चलो अब अगर मैं यहां पर एक साइड को लेता हूं तो इधर में ले लेता हूं AB को टू और अपन को मालूम है भाई इक्विलेटरल ट्रेंगल में सारी ही साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं तो ये भी टू हो गई और ये भी टू हो गई और अगर इस वाले ट्रेंगल में क्यू आर वाले ट्रैंगल में अगर मैं साइड को कितना ले लू भाई थ्री ले लू थ्री ले ले लेता हूं तो ये भी मेरी थ्री हो गई ये भी मेरी थ्री हो गई क्यों क्योंकि इक्विलेटर ट्रेंगल में साइड आपकी शाबाश इक्वल होती हैं अब अगर मैं इनमें एंगल्स की बात करूं अब अगर मैं इनमें एंगल्स की बात करूं तो एंगल्स क्या है मेरे एंगल्स क्या है देखो एंगल भी इक्वल है 60 -60 के होते हैं ना भाई तो सिमिलर प्रूफ करने का है ठीक है सिमिलर प्रूफ करने का तो दो कंडीशन चाहिए इक्वल होने के लिए क्या क्या एक तो सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए ठीक है अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर एंगल ए की क्या वो मेरा एंगल पी के बराबर है बिल्कुल है सर वो भी सिक्सटी वो भी सिक्सटी सर ऐसे तो आपका एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल सी एंगल आर के बराबर है हाँ? बिल्कुल सही बोला आपने क्योंकि भाई तीनों ही तो सिक्सटी 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 के हैं ना हाँ अब अगर मैं बात करूं इनकी साइड्स के बारे में तो इनकी साइड्स क्या है प्रोपोर्शनल है कैसे अगर मैं ए बी अपॉन पी क्यू की बात करता हूं तो अपॉन पी क्यू मेरा कितना है टू बाय थ्री ठीक है अब अगर मैं बात करूं BC अपॉन क्यू आर की तो वो भी कितना है मेरा टू बाय थ्री अब अगर मैं बात करूं AC अपॉन पी आर की तो वो भी मेरा कितना है टू बाय थ्री तो बेटा इनकी जो साइड्स हैं इनकी जो साइट्स हैं AB अपॉन पी क्यू वो इक्वल है ना BC अपॉन क्यू आर के और वो भी इक्वल है AC अपॉन पी आर के तो ये भी प्रपोर्शनल है ये भी प्रोपोर्शनल है और इनके जो एंगल्स थे ये दो कंडीशन अपन ने प्रूव कर दी भाई ठीक है एंगल्स को इक्वल बता दिया यहां पर और साइड्स को प्रपोर्शनल बता दिया तो बेटा सारे ही इक्विलेटरल ट्रेंगल सारे ही इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या होंगे सिमिलर होंगे पक्की बात है ट्रू है ये ठीक है नहीं समझ में आया तो आप लोग कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रेंगल लो कोई भी साइड्स के ठीक है कोई भी साइड के एक को मान लेना आप रूट थ्री और दूसरे वाले को आप मान लेना रूट टू कुछ भी ले सकते हो साइड रूट थ्री रूट टू ले लो आप तो ठीक है सीधा इेशनल नंबर ले लो आप तो उनकी साइड फिर भी अगर आप उनकी उनको अगर आप सिमिलर प्रूफ करना चाहोगे तो उनके एंगल्स तो फिर भी बराबर ही रहने वाले कितने 60, 60, 60 के और अगर आप उनकी साइड को प्रपोशनल बताओगे तो रूट थ्री बाय रूट टू रूट थ्री बाय रूट टू रूट थ्री बाय रूट टू ही होगा उनकी साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगी उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे जिससे कि वो लोग क्या हो जाएंगे सिमिलर तो दुनिया का कोई भी इक्विलेटरल ट्रैंगल है वो सिमिलर फिगर्स में ही आएगा चीज क्लियर है पक्का ना ठीक है चलो अब अगर मैं बात करूं ऑल आइसोसलस ट्रैंगल आर सिमिलर फिगर्स तो देख लेते देख लेते देखो अब अगर मैं एक ये वाला आइसोसलस ट्रैंगल बनाता हूं ठीक है सी और एक ये वाला आईसोस ट्रायंगल बनाता हूं छोटू सा तो बेटा इसमें ए बी ए सी की इक्वल है है ना पी क्यू आर नाम दे दो पी क्यू पी आर की इक्वल है बट ये थर्ड साइड का क्या कहना है भाई थर्ड साइड का क्या कहोगे क्या कहोगे देखो मेरा कहने का यह मतलब है अगर ये टू है ये टू है और ये फाइव है मान लो ठीक है और ये आपका थ्री है ये थ्री है ये एट है तो क्या अब इनकी साइड्स प्रपोर्शनल होंगी एंगल्स एंगल्स अपन कुछ भी मान लो मान लो इधर तो एंगल इक्वल है आपको तो मैं बोलता हूं कि एंगल इक्वल मान लो पर इनकी साइड्स को भी तो प्रोपोर्शनल दिखाना पड़ेगा ना तो चलो दिखाते अगर मैं बात करूं बेटा ए बी अपॉन पी क्यू की है ना क्या वो बराबर है मेरा BC अपॉन क्यू आर के क्या वो बराबर है मेरे ए सी अपॉन पी आर के तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू एबी अपॉन पी क्यू की अगर मैं बात करूं तो वो आएगा टू बाय थ्री पर वो मेरा इक्वल नहीं है फाइव बाय एट के और वो भी मेरा इक्वल नहीं है टू बाय थ्री के मतलब टू बाय थ्री टू बाय थ्री तो इक्वल है पर फाइव बाय एट आ रहा है ना बीच में और तीनों ही अपन को क्या चाहिए इक्वल प्रोपोर्शनल होने चाहिए है ना सेम होने चाहिए पर यहां पर तो हो ही नहीं रहा मतलब क्या हुआ बेटा कि सारे जो आइसोसलस ट्रायंगल होते हैं वो आपके सिमिलर फिगर्स में नहीं आएंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्लियर है आप लोग घर में दो आइसोसलस ट्रायंगल लेना है ना और उनको प्रूफ करना कि ये सिमिलर है कि नहीं पक्का चलो अब क्या है भाई अब क्या है देखो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रेंगल्स सिमिलैरिटी ऑफ ट्रेंगल्स में अगर आपको वो क्या था बेटा पॉलीगन के लिए था सिमिलर अगर आप आपको पॉलीगन करना है तो अब यहां पर है दो ट्रेंगल को अगर आपको सिमिलर प्रूफ करना है दो ट्रेंगल को अगर आपको सिमिलर प्रूफ करना है तो आप कैसे करोगे देयर आर करस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल है ना उनके आपको करस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल बताने पड़ेंगे और उनकी करस्पोंडिंग जो साइड्स है उनको भी आपको रेशियो में बताना पड़ेगा सेम रेशियो में और यहां तो फिर प्रपोर्शन भी बोलते हैं जैसा कि ऊपर किया है हाँ सर सेम ऊपर जैसा ही तो है पर इसमें अलग क्या है तो देखो अलग क्या है अलग क्या है इसका नोट पॉइंट इन केस ऑफ अ ट्रेंगल इफ एनी ऑफ दब टू कंडीशन होल्ड ट्रू इट मींस ट्रेंगल्स आर सिमिलर मतलब कि ऊपर में से कोई भी दोनों में से अगर एक भी कंडीशन आपकी होल्ड कर जाती है मतलब फॉलो करती है ठीक है या तो एंगल इक्वल हो गई या तो साइड इक्वल हो गई या साइड प्रोपोर्शनल हो गई तो भी आपका ट्रायंगल क्या होगा बेटा सिमिलर होगा बात समझ में आ गई पक्का पक्का चलो ठीक है इतना आ गया समझ में अब मैं आपको होमवर्क देता हूं होमवर्क में अगर मैं आपको बोलूं कि एबीसी है ठीक है और ये पी क्यू आर है फटाक से मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं एक ये है टू थ्री फोर यह है फाइव सिक्स सेवन और यह आपका सिक्सटी डिग्री यह आपका सिक्सटी डिग्री ये आपका 60 डिग्री यह आपका सिक्सटी डिग्री यह भी सिक्सटी है ना और यह भी सिक्सटी आप मुझे बताना बेटा क्या ये दोनों ट्रैंगल्स मेरे सिमिलर हैं ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में तब तक के लिए होमवर्क करना ये वाला और अपन लोग आगे को करेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में अपन लोग करेंगे बेटा बीपीटी बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है पेपर में जरूर आती है मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में